हाय चैम्स वेलकम टू कूल एकेडमी और मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले सिक्स लेक्चर जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पे लिए हुए हैं हाँ ज़रूर देखे होंगे अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो थ्योरी है और फिजिक्स में थ्योरी पहले पढ़ी जाती है कंसेप्ट पहले देखे जाते हैं और ये जो आज का लेक्चर है ये न्यूमेरिकल्स हैं यानी आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसे आपने हिस्ट्री की तरह पढ़ी है कि समझ के पढ़ी है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना उस थ्योरी को पढ़कर उसको समझकर उसका एप्लीकेशन है राइट गाइस आई होप आप ऑल सिक्स वीडियोस जो कि मैंने बनाए हैं और उसमें मैं कई एनिमेशंस भी बनाए हैं आपको इस टॉपिक को समझने के लिए फिर भी मैं दो पॉइंट यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा जिससे कि आपको जो आ, आगे आने वाले न्यूमरिकल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं ट्वेंटी वन हैं तो बड़ी पेशेंटली आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हर न्यूमेरिकल आपको एक अलग चीज़ बताएगा पर बेस आपका हर का एक ही होगा यानी हर चैप्टर का कोई की पॉइंट होता है इसलिए आप जब पूरे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो आप अपने आप एक की पॉइंट अपने माइंड में लेके जाएंगे इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए राइट right, गई तो हम स्टार्ट करते हैं आ, ये डी विट का रिवर है और हम दो पॉइंट यहाँ बताएंगे और जल्दी से न्यूमरिकल को स्टार्ट करेंगे एक मिनिमम टाइम को क्रॉस करने के लिए इस वेलोसिटी को जो कि वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर जिसको हम वी बी आर लिख रहे हैं ठीक है वो पर्पेंडिकुलर जाएगी और टाइम हमारा क्या रहेगा दैट इज डी अपॉन दिस वी बी आर ये होगा और यहाँ रिवर वेलोसिटी हमारी वी आर होगी और रिजल्टेंट वेलोसिटी ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये किस इस तरह जाएगा राइट मैं ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ से अगर कोई बोट है इस पर कोई बंदा इस बैठा हुआ है तो उसको ये वेलोसिटी दिखेगी यानी वी बी आर और जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको ये वेलोसिटी दिखेगी वी बी और वी बी जो है वो वेक्टर सम है ये पिछले कई वीडियोज़ में हम लिखते आ रहे हैं किसका दैट इज़ वी वी आर का प्लस वी आर का यानी सिंपल है कोई बोट अगर या स्विमर चल रहा होगा वो आ, रिवर उसको पुश कर रही होगी अपना इफेक्ट डाल रही होगी इन दोनों वैक्टर का वेलासिटी का वैक्टर सम आपको बी बी देता है राइट गईज और मोस्टली न्यूमरिकल्स में हमारा जो डिस्टेंस दिया रहता है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया होता है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर दिया होता है तो मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही वेलासिटी देखनी पड़ती है और इसकी इस वेलोसिटी को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं एक्स और वाई यानी इस पार्ट को हम इधर वाई कर लेंगे इधर हम एक्स कर लेंगे और फिर जो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन होगा उसको एक्स की जो टोटल वेलोसिटी आएगी जो कि सम होगी वी और वी, आर वी आर की वो रिस्पॉन्सिबल होगी और वाई डायरेक्शन में यानी अक्रॉस द रिवर जो डिस्टेंस होगा उसको आपको इसकी वाई कंपोनेंट यानी वाई जो आएगी वेलोसिटी वो रिस्पॉन्सिबल हो गया राइट गाइज़ तो ये मिनिमम डिस्टेंस सॉरी मिनिमम टाइम का है ये इतना टाइम लेगा क्योंकि आप इसको ब्रेक करोगे ये डिटेल मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है तो ये होगा हमारा टाइम और ड्रिफ्टिंग तो जो होगी इस कंडीशन में क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी परपेंडिकुलर जा रहा है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बची वो रिवर की हुई और ये टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज़ वी बी आर को तो ये मुझे ड्रिफ्ट देगा राइट right गाइज ये छोटी सी बातें और इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा दैट इज़ वी बी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर राइट गाइस अब हम बात करते हैं जल्दी से शॉर्टेस्ट पाथ की ये शॉर्टेस्ट पाथ है और यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ को तय करने के लिए ये वी बी आर हो जाता है राइट right. और ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाती है रिवर की उसी तरह है ये रिजल्टेंट यानी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका वी बी आया फॉर्मूला यानी जो कॉन्सेप्ट है ये यही रहेगा और यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो टाइम आएगी यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेकंड केस है ये आएगी वी बी दैट इज अंडर रूट आप यहाँ से देखो दैट इज वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर राइट ये होगी और टाइम आपको कितना लगेगा इसको क्रॉस करने का दैट इज डी अपॉन यही वेलासिटी दैट इज वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर राइट गाइज तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यानी चाहिए ये एंगल अगर आपको पता है होना नॉर्मल केस ये एंगल कब का है जब वी वी आर की वैल्यू ग्रेटर दैन वी वी आर हो सॉरी वी आर हो तो ये साइन ये एंगल जो होता है थीटा अगर ये थीटा लें तो वर्टिकल से लें हॉरिजॉन्टल से हमने डिराइव किया है वर्टिकल से लेंगे तो ये साइन आ जाएगा और कोई अंतर नहीं होगा दैट इज़ हमारी क्या हो जाएगी वी आर अपॉन वी बी आर इसमें याद नहीं, नहीं करना है तो लेस देन वन होना चाहिए ना जो कम होगा ऊपर होगा एक और केस है जब हमारा वी आर ज़्यादा हो वी बी आर कम हो इन दैट केस ऑल्सो हम जो कम होगा वो ऊपर होगा और जो ज़्यादा होगा नीचे होगा क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होती है राइट right, गाइस ये छोटी सी बातें मैंने बताई और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल फ्रॉम वेरी बिगनिंग दैट इज नंबर वन से हाँ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही ईजी वे में आपके हार्ड कॉन्सेप्ट बताएगा राइट right, गाइस तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन दबाएं और अब हम स्टार्ट करते हैं आई होप आपने सब्सक्राइब किया होगा बेल नोटिफिकेशन दबाया होगा और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है अ मैन कैन स्विम विद स्पीड ऑफ फोर किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर ये स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर मतलब ये हो गया कि हमें जो गिवेन क्वान्टिटी है वो है वी बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर और ये दे रखा है फोर किलोमीटर पर आवर सबसे पहले हमें वलॉसिटी पहचाननी है वो कौन सी दे रखी है क्योंकि स्टिल वाटर में है ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस रिवर वन किलोमीटर वाइड मीन्स रिवर हम बनाते हैं ये हमारी रिवर है जो कि वन किलोमीटर वाइड है मीन्स वन थाउजेंड मीटर या वन किलोमीटर दे रखा है यूनिट तो हम वन किलोमीटर लिख देते हैं और इसकी विथ है और रिवर फ्लोज स्टीडली एट थ्री किलोमीटर पर आवर यानी रिवर की वेलोसिटी हमारी क्या दे रखी है यहाँ पे लिखे तो वी आर दे रखी है जो कि थ्री किलोमीटर पर आवर है ये हमारा नॉर्मल केस हो गया क्योंकि बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर हम ज़्यादा है रिवर की करंट की वेलोसिटी से तो नॉर्मल केस है एंड ही मेक्स स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, मींस नॉर्मल टू द रिवर करंट, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अगर हमने थ्योरी पढ़ी हुई है जो मेरे लास्ट लेक्चर्स हमने फाइव लेक्चर्स लिए हैं रिवर बोट वेलोसिटी पे वहाँ पे हमने कई बार बोला है नॉर्मल टू रिवर करंट यानी ये मिनिमम टाइम देगा टू क्रॉस रिवर मींस ये इसने ये दे रखा है इसकी डायरेक्शन भी मिल गई मुझे वी की वो फोर किलोमीटर पर आवर हो गई और रिवर की करंट की जो वेलोसिटी है ये थ्री किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स इट स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करेंट हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो वेन ही रीच इज़ द अदर बैंक ऑलवेज है मिनिमम टाइम नहीं पूछा लेकिन ये मिनिमम टाइम होगा क्योंकि ये वर्टिकली स्ट्रोक कर रहा है रिवर के करेंट के तो टाइम निकालना सीधी है वर्टिकल सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्योंकि क्रॉस कर रहा है यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा डिस्टेंस है तो मुझे क्या पता होनी चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सब वेलोसिटी पता होनी चाहिए और हमें पता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या होती है दैट इज वी बी आर प्लस आपका वी आर वेक्टर एडिशन होता है ये तो ऑब्वियस है कि जो नेट जो वेलोसिटी आएगी ग्राउंड की इन दोनों वेलोसिटी का क्या वेक्टर एडिशन होगा अब आप देखो जो बोर्ड की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों का एडिशन है अब इन दोनों के एडिशन में आप देखोगे तो वाई और वाई डायरेक्शन में हमारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो देखेंगे और एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वो देखेंगे और ये दोनों क्या है इनका एडिशन है तो हम पहले एडिशन ही कर लेते हैं यानी बी बी की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये आप ये वर्टिकली है और ये क्या है हॉरिजॉन्टल है तो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ये वी बी आएगा यानी वी बी एक्स वो अंडर स्टूड है वो कौन सी होगी यही वी बी आर होगी क्योंकि वी बी आर क्या है? वर्टिकली जा रही है तो ये क्या हो जाएगी फोर और ये क्या हो जाएगी थ्री ये वी बी वाई हो गई सॉरी ये वी बी वाई हो गई और ये हो जाएगी वी बी एक्स राइट right. ये हमारी ग्राउंड की वेलोसिटी मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन में हम मुझे रिवर को क्रॉस करना है यानी जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो मुझे सब वेलोसिटीज भी क्या चाहिए सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तभी तो हम निकालेंगे तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी आ गई आप, आप देखो अगर इसे हम आई के फॉर्म में भी देखें तो ये क्या आ जाएगी फोर जे हो जाएगी ये वी जो दे रखा है और ये क्या हो जाएगी थ्री आई अब इसका कंपोनेंट y के कहलाऊंग क्या फोर हो गया और ये हो गया क्या x एक्सिस के लौंग जो x एक्सिस के लौंग यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ये वेलोसिटी तय करेगी और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होगी हम रट लेते हैं लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है अब मुझे न वी वी आर से मतलब है न हमारा वी आर से मुझे अब बोर्ड की वेलोसिटी आ गई वो क्या आ गई फोर यानी वाई डायरेक्शन में यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा और ये थ्री जो एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बाकी वेलोसिटी से हमारा मतलब नहीं रहा ऑटोमेटिक ये वही आ गई लेकिन आप रटना नहीं है इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझना है तो यानी फोर हो गई वेलोसिटी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है वन किलोमीटर तो अगर हम टाइम निकालें यही तो क्रॉस कर रहे हैं तो हम टाइम निकालेंगे तो क्या होगा दैट इज़ वन अपॉन फोर ये किलोमीटर पर आवर है ये किलोमीटर हो गया और ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर तो ये अल्टीमेटली वन बाई फोर आवर आ गया टाइम अब ये टाइम में बोट जो है हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेस की, की करेगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने बोट की निकाल रखी है ग्राउंड के रेस्पेक्टिव में क्या है वी बी एक्स है और वी वी एक्स क्या है इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर जो कि ऊपर दिख भी रहा है और ये वी वी वाई जो था हमारा क्या था वी वी आर हो गया इस स्पेशल केस में तो अक्सर हम ऐसे ही निकालेंगे तो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट वो हम लोग ने एक्स लिया है अपने पिछले वीडियोस में आप देखो तो ये हो जाएगा हमारा थ्री इन टू वन बाई फोर एंड इज इक्वल टू थ्री बाई फोर किलोमीटर राइट ये रहा सिंपल लेकिन ये सिंपल प्रॉब्लम को हमने बहुत ही बेसिक से किया है और ये ही जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा हर प्रॉब्लम जो आने वाले प्रॉब्लम से थोड़े टफ होंगे लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिवर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट सुइस यानी नॉर्मल केस है ये। फिर हम लोग रिवर बनाते हैं ये ये हमारी रिवर है वेस्ट सुइस मीन्स रिवर की डायरेक्शन इस तरफ है मैन ऑन द साउथ बैंक नॉर्मल मीन्स मैन यहां कहीं है कैपेबल ऑफ स्विमिंग टेन मीटर पर सेकेंड यानी रिवर की जो वेलोसिटी दे रखी है फाइव मीटर पर सेकंड फिर उसी तरह हम पहले वेलोसिटी लिखते हैं रिवर की वेलोसिटी क्या दे रखी है फ़ाइव मीटर पर सेकंड और कैपेबल ऑफ स्विमिंग टेन मीटर पर मिन सॉरी सेकंड नहीं ये मिनट है मीटर पर मिनट और स्विमिंग एट टेन मीटर पर मिनट तो यानी फिर वही वी दे रखी है ये हमने निकाल लिया और ये हो जाएगा हमारा टेन मीटर पर मिनट इसको भी हम लिख दें मिनट राइट स्विम्स अक्रॉस द शॉर्टेस्ट पाथ अब ये क्या है देखो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए यानी ये इस पाथ पे चाहिए है ना तो अब ये कह रहा है कि इस पाथ पे जाना चाहिए इन वॉट डायरेक्शन शुड ही स्विम ये तो बहुत ही सिंपल है स्पेशल केस है नहीं क्योंकि ये जो वेलासिटी है ये किस रिस्पेक्ट में दे रखी है रिवर के रिस्पेक्ट में उन्हें क्या दे रखी है लेकिन ये जा रहा है जस्ट क्रॉस हो रहा और इसका हम लोग ने कई बार देख रखा है आप वीडियो जरूर देख लीजिए जो हमने पिछले लेक्चर्स में है ये सिंपल है और इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये क्रॉस कर रहा ये shortest path है ये शॉर्टेस्ट पाथ है स्पेशल केस है नहीं रिवर की ज़्यादा वेलोसिटी है नहीं बोट की जो स्विमर की जो वेलोसिटी स्विमिंग जो कर रहा है वो मैन उससे ज़्यादा रिवर की वेलोसिटी नहीं सिंपल केस हो गया टाइम हमें निकालना है वो पता चल जाएगा अगर आपने वो देखा होगा तो टाइम हमारा क्या आएगा क्रॉस करने का देट इज़ रिवर की जो वेथ है डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑब्वियस है ये याद रखेंगे जो ज़्यादा होगा वो हम यहाँ लिखेंगे और कम को हमने यहाँ लिखना है ये बेसिक टाइम तो आया लेकिन ये नहीं पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट अपोजिट है अपोजिट जाने के लिए हमने उन्हें यह देखा वर्टिकल से देखना है तो साइन थीटा हमने लेकिन कॉस थीटा लिया लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से आएगा यानी उसको इस डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा यानी ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी वी बी आर यानी टेन है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिए सॉरी रिवर के रिस्पेक्ट में दिए लेकिन वो वर्ड क्रॉस क्या कर रहा है वर्टिकली यानी जो रिजल्टेंट है वो क्या होना चाहिए बी, बी का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए राइट यानी इसका वेक्टर एडिशन हो जाएगा ये बार बार हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है ये बार बार मैं लिख रहा हूँ वी बी आर प्लस वी आर और मुझे क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो ये इम्पॉर्टेंट होता है वी बी क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे सब कुछ देखना है डिस्टेंस भी देख रहे हैं तो वेलोसिटी भी हमारी क्या होनी चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हम इनको वेक्टर एडिशन करके निकालते हैं आई जे के में भी कर सकते हैं एक्स वाई कॉम्पोनेट में और बेसिक फंडा जो हमने पहले लगाया है वाई का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वाई वेलासिटी जो होगी वाई डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्सिबलिट होगी रिस्पॉन्सिबल होगी और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए एक्स के अलॉन्ग जो वेलासिटी होगी वो होगी खैर यहाँ पे हमारा आ गया और हमने यहाँ पे ये यह हो गया अब आप वर्टिकल से देना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो वर्टिकल से एंगल अगर बताना चाहो तो साफ दिख रहा है ये कि साइन थीटा क्या हो जाएगा हमने वैसे कॉस थीटा में दिया है लेकिन आप बता सकते हो कि साइन थीटा जो हो गया वो क्या हो जाएगा दैट इज़ जो वी आर अपॉन अपॉन वी बी, बी आर या इस तरह तो लिख सकते हैं सिंपल है ये तो और ये लिख सकते हैं हमारा फाइव अपॉन क्या हो जाएगा टेन दैट विल बिकम वन बाई टू और थीटा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज थर्टी डिग्री आप ये लिख सकते हो थर्टी डिग्री कहाँ हो गया वर्टिकल से हुआ तो अगर आप डायरेक्शन डायर देख रहे हो क्योंकि वो ईस्ट वेस्ट कह रखा है तो आप लिख सकते हो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं लेकिन हमने जो बातें यहाँ बोली जैसे वी आर की वेलोसिटी लेस देन वी वी आर है तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है ये करते हुए ठीक है अगर यहाँ मैं यहीं पर केस बताता हूँ अगर वी आर की ज़्यादा होती तो क्या होता अपोजिट तो आ ही नहीं सकता था वो कहीं और जाता वो इस तरफ कहीं आता ठीक है तो उसके दो केसेस हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में देख रखे हैं राइट गाइस चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम ये बेसिक क्वेश्चन हैं अ बोट कैन मूव विद स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू वाटर मीन्स ये फाइव मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया रिवर ये जो हम लोग देखते हैं क्रॉसेज रिवर ऑफ ये वि हो गया विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ फू मीटर पर सेकेंड यानी फ्लोइंग जो है करेंट की स्पीड हो गई नहीं वी आर हो गया व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ तो हम लोग ने वेलोसिटीज जो कि मेन चीज़ होती हैं इस इस तरह के प्रॉब्लम में वो हम लोग ने मार्क कर ली और ये अपना आ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट इज़ ग्रेटर दैन ऑफ रिवर तो ये नॉर्मल केस है तो और ये हम लोग कई बार पिछली ही प्रॉब्लम में देखा था वहाँ हम लोग ने डी यूज़ किया था पर यहाँ डी दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं और इसे निकालते हैं दैट इज़ जो वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होगी दैट इज़ यहाँ पे क्या है वी ज़्यादा है तो फाइव ये हो गया हमारा फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर दैट इज फोर एटी अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन दैट विल बी बिकम नाइन एंड इट विल बिकम थ्री ट इज वन सिक्सटी सेकेंड टू आपका ये आपका आंसर हो गया राइट गई सिंपल प्रॉब्लम था शॉर्टेस्ट पाथ बट यहाँ बोट की जो वेलासिटी है रिवर करेंट की वेलासिटी से ज्यादा ये ध्यान रखना है राइट right? अब आते हैं हम ये नेक्स्ट प्रॉब्लम टू स्विमर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ रिवर टू रीच ऑन पॉइंट बी

Directly opposite to point A, यानी यहाँ से directly opposite ground frame में ये distance एकदम clear कर दिया shortest path जो हम लोग ने निकाल रखा है पूरे formula आपके दिमाग में flash होने चाहिए one of them crosses the river along the straight line ए बी एक जो है ए बी यानी एक बंदा जो है वो ए बी जो है उससे जा रहा है यानी शॉर्टेज पाथ वाले जो फॉर्मूले हैं वो वहाँ अप्लाई होंगे वाइल अदर स्विम्स एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम एंड देन वॉक्स द डिस्टेंस विच है ही हैज़ बीन कैरीड अवे बाई द स्ट्रीम टू गेट अ पॉइंट बी ओके तो एक शॉर्टेस्ट पाथ है दूसरा क्या हो गया शॉर्टेस्ट टाइम जो वर्टिकली स्विम करना चाह रहा है तो वो हम लोग कई बार देख रहे थे वो मिनिमम टाइम वाला है तो वो जब स्विम करेगा यानी स्ट्रोक लेगा करेंट के रिवर करेंट के पेंडिकुलर लेकिन वो ड्रिफ्ट होके कहा पहुंच जाएगा लेट इट बी ये यहां पहुंच जाता है सी राइट वट वॉज द वेलॉसिटी अज्यूम्ड यूनिफॉर ऑफ इज वॉकिंग इफ बोथ द स्विमर्स रीच द पॉइंट इट इज नॉट पेंट पॉइंट बी साइमिली वेलॉसिटी ऑफ ईच स्विमर इन स्टिल वाटर इज़ टू पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर एंड द स्टीम वेलासिटी इज़ टू किलोमीटर पर आवर यानी दोनों की वेलासिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी नॉर्मल जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं स्टिल वाटर में हमारा क्या हो गया वी बी आर की वैल्यू दे रखी है टू पॉइंट फाइव और वी आर क्या दे रखी है दैट इज़ टू किलोमीटर पर आवर है इसलिए कोई टेंशन नहीं और यहाँ पे विथ नहीं दे रखा है तो लेट इट बी डी ले लेते हैं सो so, uh, पहले टाइम देख लें टाइम दोनों का मुझे पता है शॉर्टेस्ट टाइम है जो वर्टिकली पहला शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ क्योंकि वेलोसिटी ऑफ क्या है दैट स्विमर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम सो नॉर्मल केस है तो शॉर्टेस्ट पाथ में हमारा टाइम जो आएगा दैट इज़ डी अपॉन अंडर रूट टू पॉइंट फाइव का होल स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर ठीक है और शॉर्टेस्ट टाइम पे पाथ कितना आएगा जो कि वर्टिकली जा रहा है ये आप t1 ले लो और ये ले लो आप t2 t2 और ये हो जाएगा हमारा d अपॉन वर्टिकली जो स्विम कर रहा है ये हो जाएगा टू पॉइंट फाइव राइट ये हमारी टाइमिंग हो गई जो कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं अब हम ड्रिफ्ट निकाल लें यह शॉर्टेज टाइम में ड्रिफ्ट जो होगा दैट इज़ एक्स तो ये एक्स आपको पता है ये टाइम में उसकी रिवर वेलोसिटी कितनी है टू है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई uh, हो जाएगा दैट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये लेगा ना ये एक्स तो टू इन टू क्या हो जाएगा डी बाय इस टाइम पे इतना ड्रिफ्ट हो गया क्योंकि रिवर उसको ड्रिफ्ट करा देगी तो ये आपका टाइम हो गया सॉरी ड्रिफ्ट हो गया तो इस अब ये यहाँ पहुँच गया एक्स तो अब यहाँ से यहाँ आने में उसको जो टाइमिंग लगेगा तो यानी वी वॉक ले लेते हैं उनका स्पीड जो है तो ये टाइमिंग इस ड्रिफ्ट को कंप्लीट करने में जो टाइमिंग है इसको वी वॉक टाइमिंग लिखते हैं तो ये एक्स अपॉन क्या हो जाएगा वी वॉक हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ टू डी अपॉन 2.5 VW, राइट right? अब ये कह रहा है कि एक साथ पहुँचे ठीक है तो ये यहाँ पे ड्रिफ्ट हो गया ये इसकी ये ये यहाँ पहुँच गया ये बंदा यहाँ पहुँचा तो अब हम क्या करेंगे हम लिख सकते हैं दिस T1 वन इज इक्वल टू टी वन इज़ इक्वल टू टी टू प्लस ये शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम है एक्चुअल तो इसका मतलब टी वन तो बड़ा हो गई होगा इसलिए ये हमारा मिनिमम टाइम वाला है तो ये टी टू हो गया प्लस टी डब्ल्यू और टी वन हमारा कितना है दैट इज डी अपॉन अंडर रूट टू पॉइंट फाइव माइनस टू स्क्वायर इज़ इक्वल टू टी टू हमने निकाला है दैट इज टी बाई टू पॉइंट फाइव प्लस ये हमने निकाला है दैट इज़ टू डी अपॉन टू पॉइंट फाइव इंटू वी डब्ल्यू बस डी डी कैंसिल आउट हो गया और इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू पॉइंट फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा दैट इज़ एक बार ऑनलाइन लिखते हैं दैट इज़ सिक्स पॉइंट टू फाइव दैट इज़ फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव पॉइंट लिखा टू के आगे का डिज़िट थ्री थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस फोर और ये वन अपॉन टू पॉइंट फाइव दैट इज़ और ये हो जाएगा टू अपॉन टू पॉइंट फाइव पी और इसको लिखेंगे तो इसको माइनस करेंगे टू पॉइंट टू फाइव और उसका रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू रूट निकालेंगे टू पॉइंट टू फाइव का तो क्या हो जाएगा दैट इज़ वन पॉइंट फाइव सो इट विल बिकम वन पॉइंट फाइव

विद वेलॉसिटी विच इज हाफ ऑफ द रिवर फ्लो वेलॉसिटी एट वॉट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग ये इस केस में आप देखो इसमें बोट की वेलॉसिटी क्या है बोट मूव रिलेटिव टू वॉटर विद वेलॉसिटी विच इज हाफ ऑफ द रिवर फ्लो वेलॉसिटी यानी अगर रिवर की वेलोसिटी v है तो बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है v बाई टू है यहाँ पे आप देखो रिवर की वेलोसिटी क्या है बोट की वेलोसिटी से ज़्यादा है और ये एक स्पेशल केस है लेकिन इसमें भी क्या है कि फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा ये हमारा रिवर है और यहाँ से ये वेला, ये मूव किया इस डायरेक्शन में कहीं किसी डायरेक्शन मूव किया होगा ये आपको वर्टिकल है इस डायरेक्शन मूव किया होगा लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है ये ड्रिफ्टिंग यहां पे है ये ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज हो मींस शॉर्टेस्ट पाथ का है इस पर हमने अलग से वीडियो दे रखा है उस पर देखो फॉर्मूला वही आएगा यहां से लेंगे कॉस्ट तो यहां से आएगा साइन ये एंगल अगर सपोज कर लो थीटा है तो हम साइन ले लेंगे दैट इज साइन इनवर्स ये एंगल क्या हो जाएगा दैट इज साइन इनवर्स जो मिनिमम होता है वो ऊपर रखते हैं यहाँ पे हमारा v बाई टू रखेंगे और यहाँ पे हम v उस केस में क्या होता था याद रखने का सिंपल तरीका जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो ऊपर होगी और जो मैक्सिमम होगी वो नीचे होगी लेकिन जब बोट की बोट की वेलोसिटी कम है रिवर की वेलोसिटी से तो वो ड्रिफ्ट यहाँ अपोजिट नहीं पहुँचेगा शॉर्टेस्ट पाथ वो हमेशा ड्रिफ्ट करेगा और हम जो फॉर्मूला डिराइव किए थे तो इस ड्रिफ्ट को हम मिनिमाइज करके ये फार्मूला निकाले थे जो कि सेम आया था सिंपल याद करने का तरीका है कि लेस देन वन होना चाहिए तो जो वेलोसिटी कम होगी वो ऊपर और जो मैक्सिमम होगी वो नीचे तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स हाफ और ये क्या होगा दैट इज़ थर्टी डिग्री मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा थर्टी डिग्री तो रिवर की फ्लो से ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री तो आप लिख सकते हो कि जो रिवर के फ्लो से इसका एंगल क्या हो जाएगा दैट इज़ 120 डिग्री राइट गाइस सिंपल था लेकिन ये स्पेशल केस था ठीक है और इसका पूरा हमने डिटेल वीडियो पिछले लेक्चर्स जो हमने लिए हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे लगभग हमने फाइव लेक्चर्स लिए हुए हैं वो आप देखेंगे तो उसके पीछे का डिटेल्स भी आपको इसकी थ्योरी भी क्लियर होगी तो, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट questions pay. question number 6 two boats a and b having same speed relative to river are moving in a river two boats a and b having same speed relative to river are moving in a river boat a moves normal to the आप ये मान लो ये बोट ए है जो कि ये ए है और इसकी वी ए विद रिस्पेक्ट टू तो क्या हो गई रिवर मान लेते हैं इस तरह मान लेते हैं और मूस ए मूस नॉर्मल टू रिवर करेंट एज ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ रिवर कैंडी सिंपल है हमने जो पिछली वीडियो में गर्ल यहाँ पे लिया था वो इसको लग रहा है कि नॉर्मल जा रही है है हम लोग हमेशा जो वेलोसिटी लेते हैं ए की विद रिस्पेक्ट टू रिवर लेते हैं ये है बोट बी मूव्स नॉर्मल टू रिवर करेंट एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड अब वो जो ग्राउंड में है जो है उसको इसको ये मूव लगा ए को जो बंदा था लेकिन जो ग्राउंड पे बंदा है उससे ये लग रहा है कि वो क्या है बी जो है नॉर्मल टू जा रहा है अच्छा ये दोनों केस क्या है आपका ये सिंपल उसी क्वेश्चंस को इसने क्या किया घुमा के दिया है ये नॉर्मल लग रहा है मीन्स ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला है और ये कौन सा मिनिमम वाला है लेकिन क्वेश्चन वही है लेकिन इसे घुमा के आपको पूछा गया है राइट right, गाइस फिर से आप देखो इस क्वेश्चन को टू बोट्स ए एंड बी हैविंग सेम स्पीड इन दोनों की स्पीड सेम है रिलेटिव टू रिवर आर मूविंग इन ए रिवर दोनों की वेलोसिटी बी है विद रिस्पेक्ट टू वी ये बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये दोनों की वेलोसिटी रिलेटेड भी बी है लेकिन क्या है बोट ए मूव्स नॉर्मल टू द रिवर करेंट एज ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द करेंट ये सेम है ये हमारा मिनिमम टाइम वाली कंडीशन रह और दूसरा क्या कह रहा है ग्राउंड से वेलॉसिटी ऑफ रिवर बोट बी मूव नॉर्मल टू द रिवर एज ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड मीन्स ये जो है ये मूव कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पर जो खड़ा है इसे लग रहा है तो हमारा बेसिक इसमें क्या आ रहा है वही कॉन्सेप्ट यह हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है और ये क्या है मिनिमम टाइम क्या है अब आपका ऑब्जर्वेशन देखो टू द गि ग्राउंड ऑब्जर्वर बोट बी मूव्स फास्टर दैन ए अब ये बी जो है मूव फास्टर देन ए हाउ इज़ इट पॉसिबल जब ये आप ऐसे देखो अगर ये मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियस है ये बी को इधर जाना पड़ेगा तभी तो ये आएगा रिवर की वेलोसिटी मिलेगी और ये हम लोग लेंगे वी बी का और आप अगर वहाँ से देखो तो वी बी की वेलोसिटी क्या होती है दिस वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर के अंडर रूट करके आएगी राइट right, गाइस तो ये तो आ, और ए की वेलोसिटी देखो ये ऐसे है तो ए की वेलोसिटी क्या होगी हमेशा क्या हो जो ग्राउंड से देखेगा क्योंकि ए की वेलोसिटी क्या मिनिमम है और इसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी तभी तो ये आएगी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जाएगा तो ये ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा जो मिनिमम जो पाथ हम लोग लेते हैं वो क्या होगा ज्यादा होगा मीन्स ये सही है ये आंसर एकदम सही है टू अ ग्राउंड ऑब्जर्वर ए मूव्स फास्टर देन बी बी क्योंकि उसको रिवर्स रिवर के करंट के अपोजिट मूव करेगा तभी तो ये आएगा आप एनर्जी के टर्म में देखोगे तो इसकी वेलोसिटी तो कम हो ही जाएगी क्योंकि इसके ये कंपोनेंट को रिवर की वेलोसिटी कम कर देगी ऑब्वियस इसकी एनर्जी कम हो जाएगी ऐसे लॉजिकली हम सोचें और इसकी एनर्जी को ये इसका आ, आ, इसको और ये पुषअप देगा जिससे कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी लॉजिक नो एनी मैथमेटिकल गंज हमने लॉजिक के अनुसार इसे कर दिया राइट और टू थर्ड ऑप्शन देखें टू द गिवन मूविंग ऑब्जर्वर बी मूव फास्टर देन ए अब मूविंग ऑब्जर्वर जो बोर्ड पे है वो तो बता ही रखा है सेम वेलोसिटी है तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते तो एक के ऑप्शन होगा ना बी नो एनी कैलकुलेशन कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपने आंसर बता दिया राइट गाइस अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो वी की वैल्यू आप निकाल सकते हो अंडर रूट करके और यहाँ पे आपकी की वेलोसिटी प्लस में आएगी अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर यहाँ पर आएगी क्या अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर आएगी राइट इसको पूरे डिटेल आप जो मैंने वहाँ पढ़ाया है पूरे लेक्चर्स आप जब देखेंगे तो ये इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड कर लेंगे खैर हमने इसको डिटेल में एनालिसिस अब हम आते हैं सेवन क्वेश्चन पर रिवर इज ट्वेंटी मीटर वाइड ये हमारा ट्वेंटी मीटर वाइड है रिवर रिवर स्पीड इज ठीक है रिवर की स्पीड हमारी क्या दे रखी है थ्री मीटर पर सेकेंड मीन्स वी आर गिवेन है बोट स्टार्ट विदोसिटी टू रूट टू मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री टू द रिवर करेंट मीन्स इस डायरेक्शन में जा रही है फोर्टी फाइव डिग्री में कितने से जा रही है टू रूट फाइव से सॉरी रूट टू रूट टू से फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक सिंपल है ये आपका क्या है वी बी आर है ठीक है रिलेटिव टू रिवर दे रखा है से क्रॉस करेगा यानी ग्राउंड डिस्टेंस क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको क्रॉस करना है मतलब यहां अपोजिट नहीं क्रॉस करना है बस क्रॉस करने के पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक ये वर्टिकल डिस्टेंस एक तरीके से क्रॉस करेगा यहाँ है. है ना तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ये सब वेलोसिटी हमारी क्या आनी चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें पता है कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन दैट इज़ वी बी आर और वी आर का वेक्टर एडिशन ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी देगा तो वो हम लोग कई बार हम लोग निकालते आ रहे हैं दैट इज़ हम लोग इसे लिख सकते हैं दैट इज़ वी बी एक्स जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वी बी लेते हैं उसको हम वी वी एक्स ले लिया यानी एक्स कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा दैट इज़ ये हमारा फोर्टी फाइव डिग्री है तो इसका कंपोनेंट आप लोगे तो ये इसका थ्री रिवर की वेलोसिटी तो ऐड होएगी होगी और प्लस इसका कंपोनेंट लोगे टू रूट टू कॉस फोर्टी फाइव डिग्री टू रूट टू कॉस फोर्टी फाइव डिग्री मीन्स वन बाई रूट टू ये गया, आ गया रूट टू रूट कैंसिल ये आ गया क्या फाइव मीटर पर सेकेंड ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गई और हमने निकाल ली वाई आ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी टू रूट टू साइन फोर्टी फाइव ये भी लिख जाएंगे टू रूट टू साइन फोर्टी फाइव वो भी क्या हो जाएगी हमारी वन बाई रूट टू तो ये हो गई एंड दैट इज इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड बस ये हमारा मेन चीज़ निकालना होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब ये वेलासिटी क्या है वो वेलासिटी रिस्पॉन्सिबल होगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए और ये एक्स हॉरिजॉन्टल uh, डिस्प्लेसमेंट के लिए होगी ये हमारा निकालना होता है ये निकाल लेता हूँ ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ वी बी आर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर वैक्टर एडिशन है और वी बी ये हम लोग कई बार लिखे हैं यहाँ भी लिख रहे हैं दैट इज़ वी बी आर प्लस वी आर वैक्टर एडिशन इन दोनों का एडिशन ही और बेसिकली ये क्या है हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है यही तो निकालना है क्योंकि ज़्यादातर को में क्या होता है रिवर क्रॉस होना या किसी पॉइंट पे जाना तो सब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है डिस्टेंस होता है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहता है सिर्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालने का तो इसलिए हम लोग ने क्या निकाला वी बी जो है हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और इसका हमने दो कॉम्पोनेंट निकाल लेते हैं एक्स और वाई अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं राइट गाइज तो फाइंड द टाइम टेकन बाई द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक तो अपोजिट बैंक यानी वर्टिकल डिस्टेंस है कवर कर रहा है तो ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी तो टाइम क्या हो जाएगा क्रॉस का ये सिंपल है ये वाले वेलोसिटी यूज करेंगे और विथ दे रखा है ट्वेंटी मीटर वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी टू तो ये क्या आ जाएगा फाइव सेकेंड सॉरी टेन सेकेंड राइट गाइस ये आ जाएगा ट्वेंटी बाई टू दैट इज टेन सेकेंड अब ये क्या कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेज द अपोजिट बैंक ये भी सिंपल है यानी ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग डायरेक्टली अपोजिट टू द मीन्स यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा ऑब्वियसली तो यहाँ से मूव किया है तो ये हॉरिजनटल वेलॉसिटी हमारी कितनी थी फाइव थी टाइम कितना लगा टेन सेकेंड तो ये टोटल डिसप्लेसमेंट कितना हो जाएगा दैट इज एक्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज हॉर्टल वेलॉसिटी क्या हो गया फाइव इन टू टाइम कितना टेंथ ये हो गया फिफ्टी मीटर सिंपल क्वेश्चन था सब में क्या है हमारा इसी इसी दो वेलासिटी पर हमने क्या करना है कंसनट्रेट करना है ये दो वेलासिटी पर राइट इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे इसी पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और ये वेलासिटी क्या है अभी भी ये दोनों बोट की वेलासिटी विद रिस्पेक्ट रिवर और रिवर की वेलासिटी

अब क्रॉसेज द रिवर पपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो मीन्स ऐसा लग रहा है कि वो रिवर फ्लो के पपेंडिकुलर जा रहा है मीन्स मिनिमम टाइम के लिए जा रहा है तो मिनिमम टाइम के लिए लेट दिस डी विथ ऑफ रिवर तो मिनिमम टाइम आपको पता है टी क्या होता है हमारा डी बाई वी बी आर और डाउन द स्ट्रीम तो टी अगर निकालना है तो सिंपल है ये वी बी आर प्लस वी आर हो जाएगा पर यहाँ आप आप देखो कई स्क्वायर टर्म्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये जो लाइन कह रहा है फर्स्ट लाइन क्रॉसेज द रिवर पर्पेंडुलर टू रिवर फ्लो मीन्स ये पूरा क्रॉस कर रहा है मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ वाला है केस है ये सो so, यहाँ पे हम टी लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ का राइट right? और हमें निकालना है दैट इज़ वी वी आर बाई वी आर निकालना है तो इस चीज़ को हम लॉजिकली ऑप्शन से चेक कर लेंगे अगर हम मुझे फर्स्ट लाइन में कन्फ्यूज़न है राइट right? तो हम यहाँ टी लिखेंगे जो कि पिछले वीडियोज़ में हमने कई बार लिखा है दैट इज टी अपॉन अंडर रूट वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर और डाउन द स्ट्रीम जा रहा है उतने ही डिस्टेंस मीन्स डी तो वहाँ का टाइम जो लग रहा है दैट इज टी अपॉन अंडर रूट सॉरी नॉट अंडर रूट टी अपॉन वी बी आर प्लस आर सिंपल है अब हम या तो डिवाइड कर दें इन दोनों को तो ये आ जाएगा हमारा t बाई कैपिटल T दैट इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर दैट इज वी बी आर प्लस वी आर का होल स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम अप्लाई कर देते हैं दैट इज़ बी बी आर प्लस वी आर इंटू वी बी आर माइनस वी आर और ये कैंसिल हो गया और हम यहाँ पे कंपनडेंडो और डिविडेंडो का फॉमूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे हम VBR plus VR plus VBR minus VR और फिर माइनस करेंगे दिस टाइम दैट इज़ वी बी आर प्लस वी आर माइनस वी बी आर प्लस वी आर कैंसिल हो गया हमारा वी आर यहाँ पर और यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया वी बी आर तो ऊपर हो गया हमारा टू वी बी आर और नीचे हो गया हमारा टू तो वी आर थ्री क्या आ गया हमारा

टू मीटर पर सेकेंड रिवर करेंट वेलासिटी टू मीटर पर सेकेंड और इन द डायरेक्शन शून ठीक है बोट मैन वॉन्ट्स टू रीच फ्रॉम ए टू बी एट वॉट एंगल शुड ही रो द बोट ओके मीन्स यहाँ से ए टू बी जाना है मीन्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बातें हो रही है यानी वी बी की डायरेक्शन ये दे रखी है क्योंकि ए और बी क्या ग्राउंड पे है तो मुझे वी बी चाहिए और ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये 45 होगा अगर D ये है AC तो BC भी क्या हो जाएगा D हो जाएगा क्योंकि tan 45 फाइव डी अपॉन ए सी अपॉन बी सी और फोटी फाइव डिग्री में लेंथ और आपका पर्पेंडिकुलर और बेस दोनों सेम रहता है तो ये D हो जाएगा नॉर्मल सी बातें हैं अब यहाँ पे मुझे वी बी चाहिए तो बी बी क्या है कि दोनों वेलोसिटी का एडिशन है यानी अगर वी बी के हम दो कॉम्पोनेंट के लिखते हैं तो हम लिखेंगे वी बी एक्स एंड वी वी वाई यही तो हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए और इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन है तो सिंपल हो गया आ, एक्स का अगर कंपोनेंट सिर्फ हमारा रिवर की वेलोसिटी है और प्लस अगर यहाँ पे देखें लेट द दे वॉसिटी इसको वी से डिनोट ये जो कि यहाँ वी से डिनोट किया गया है ये फोर मीटर पर सेकेंड है तो हम इसे लिख सकते हैं वी थीटा सिमिलरली अगर सिर्फ यहाँ देखें वाई कॉम्पोनेंट देखें हम तो सिर्फ ये आ, हो जाएगा हमारा वी बी आर होगा और इसकी वैल्यू अगर रख के देखें तो ये हो जाएगा टू प्लस फोर साइन थीठा और ये हो जाएगा हमारा दैट इज़ फोर cos थीटा ठीक है ये हमारा फोर है तो ये फोर cos थीटा हो गया वर्टिकल एसी के अलोंग और इस रिवर फ्लो के यानी बी सी बी के अलॉन्ग ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पे टू प्लस फोर साइन थीटा राइट गाइस तो दोनों की डिस्टेंस टाइम सेम ही होगा तो डिस्टेंस इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते हैं तो एक्स में लिखेंगे तो हो जाएगा फोर साइन थीटा इंटू आपका टी हो जाएगा और अगर फिर डी लिखते हैं इस बार वाई कॉम्पोनेंट लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज़ फोर कॉस थीटा इंटू टी ये दोनों हम इक्वेट कर सकते हैं टी टी कैंसल हो जाएगा सो आ जाएगा टू प्लस फोर साइन थीटा इज वल टू फोर कॉस थीठा और यहाँ पे हम इस तरफ कर देते हैं फोर साइन थीठा को इस तरफ ले जाते हैं फोर कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीठा इज ईक्ल टू क्या हो जाएगा टू और टू कट कर देते हैं ये टू हो गया रूट टू से हम, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा टू रूट टू और लिखेंगे वन बाई रूट टू कॉस थीठा माइनस वन बाई रूट टू साइन थीठा और दैट इज इक्वल टू वन वन बाई ये हो जाएगा वन बाई टू रूट टू और ये वन बाई रूट टू को हम साइन फोर्टी फाइव लिख सकते हैं उसी तरह इस वन वन बाई रूट को कॉस फोर्टी फाइव लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए कास भी माइनस कॉस ए साइन बी तो हम लिख सकते हैं साइन फोर्टी फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू रूट टू सो फोर्टी फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई टू रूट टू सो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा फोर्टी फाइव माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू रूट टू राइट गाइज सिंपल प्रॉब्लम था कॉन्सेप्ट यही है कि आ, जो वी बी मुझे चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो वैक्ट एडिशन है वी वी आर और वी आर का और इनको पहचानना आना चाहिए ये पिछले वीडियो में हम लोग कई बार यूज कर लिए हैं और बार बार आगे भी यूज करेंगे राइट right तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पे अ मैन विशेष टू क्रॉस अ रिवर फिर हम लोग वही बनाए ये रिवर हो गया दैट इज ट्वेंटी मीटर इसके वे बाई बोट ही इज रोइंग स्पीड इज थ्री मीटर पर सेकेंड एंड इज मैक्सिमम वॉकिंग स्पीड इज वन मीटर पर सेकेंड ओके रिवर वी फ्लोज विद यहां पर आप देखो रिवर की वेलासिटी क्या दे रखी है फोर मीटर पर सेकेंड और बोट की वेलासिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दे रखी है थ्री मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर मीन थ्री बोट विद रिस्पेक्ट टूर रिवर यह होगा थ्री अब यहां पर आप देखो क्या है देखो आप यहाँ पे क्या है कि रिवर की वेलासिटी ज्यादा है और बोट की वेलासिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर कम है ये तो ये स्पेशल केस है राइट अब यह पूछ रहा है फाइंड द पाथ विच ही शुड टेक टू गेट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन शॉर्टेस्ट टाइम अब आप यह देखो यह क्या पूछ रहा है शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पूछ रहा है ये शॉर्टेस्ट टाइम पूछ रहा है ठीक है उसके लिए क्या होगा पाथ कौन सा लेगा जिससे कि वो डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाए मीन्स अगर यहाँ से स्टार्ट करे वो पाथ यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करेगा मिनिमम पाथ पूछ रहा है यहाँ से कि किस डायरेक्शन मूव करेगा जिससे कि वो मिनिमम टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाए क्योंकि ये कहीं यहाँ पहुँचेगा राइट right? ये चलो ओ से गया ए में जाना है तो ये बी पहुँचेगा क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट इसको पुश करती जाएगी क्रॉस डायरेक्ट हो ही नहीं सकता मिनिमम टाइम में राइट right, तो किसी एंगल पे मूव करेगा और वो एंगल हमने डिराइव किया स्पेशली एक वीडियो बनाया है आपका पिछला ही वीडियो है वो उसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है उसको देखना तो वो एंगल आएगा साइन थीटा वर्टिकल से आएगा साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा दैट इज अब आप देखो कौन सी जा ज़्यादा है दैट इज ये हो जाएगा हमारा थ्री अपॉन फोर प्लस वन उसका फॉर्मूला वहाँ डिराइव किया हुआ है हमने आप देखो वहां पे आप जाओगे तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है दैट इज साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स ओरियंटल हो जाएगा दैट इज ये हो जाता है हमारा वी वी बी आर प्लस वी आर प्लस वी डब्ल्यू ये हमने वॉकिंग ये हमने वहाँ डिराइव किया हुआ है आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको देखेगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा दैट इज साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव राइट मीन्स साइन थीटा आपका आ गया है यहाँ पे तो रिवर के फ्लो से ये कितना जाएगा एंगल रिवर के फ्लो से आप निकाल लोगे दैट इज 90 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई फाइव ये डेरिवेशन आप जरूर देखना उस वीडियो में पूरा कंप्लीट मैंने वो बताया हुआ है राइट right? ये हमने जनरल ये शायद आपको किसी बुक में, में ना मिले वाला फार्मूला उसके लिए हमने स्पेशल वीडियो बनाया आप जरूर उस वीडियो को देखोगे पूरा डिराइव किया है इस फॉर्मूले को तो साइन इनवर्स थ्री बाई हो गया ऑल्सो फाइंड द टाइम विच ही टेक्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन अब सिंपल हो गया अब तो टाइम निकालना बड़ा ईजी हो गया वर्टिकल इसको डिस्टेंस चाहिए टाइम निकालने के लिए क्या होगा तो ये वेलोसिटी हमारी दे रखी है जिससे मूव कर रहा है ये क्या है थ्री है हमारी तो ये हो जाएगा हमारा थ्री कॉस थीटा जो वी बी वाई होगा जो हमें निकालना है यह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा थ्री कॉस थीटा और साइन थीटा हमारा क्या है थ्री बाई फाइव है यहाँ पे आप देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या है हमारा थ्री बाई फाइव है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा फोर बाई फाइव दैट इज थ्री इन टू फोर बाई फाइव एंड दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई फाइव और इसको आप निकालोगे टाइम विल बिकम टन ट्वेंटी बाई ट्वेल्व बाई फाइव दैट इज फिफ्टी सेकेंड ये यहां पहुंचने का और यहाँ से एक्स ड्रिफ्ट कितना हुआ यहाँ हम निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या होगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी दैट इज ये हो जाएगा साइन थ्री साइन इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी है रिवर की फोर है इस डायरेक्शन में माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा दैट इज थ्री साइन थीटा दैट इज थ्री बाई फाइव एडबुलबिकाम ट्वेंटी थ्री थ्री 3 नाइन एलेवन 9 फाइव और 5 or लॉस्ट velocity और टाइम हमने कितना लिया था ये हो गया हमारा टेन ये हो गया वन वन ज़ीरो तो टोटल टाइम कितना हो गया दैट इज टी इज इक्वल टू 50. वहाँ तक जाने का एक दस चल के आने का दी हो गया हमारा 160 हंड्रेड सिक्सटी सेकेंड मींस टू मिनट्स फोर्टी सेकेंड राइट आई होप आपको समझ में आए थोड़ा ये लेंदी है क्वेश्चन लेकिन आपको ये फॉर्मूला यहां डिराइव करना पड़ेगा देन यू विल गेट द आंसर बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ऑब्वियस है बीबीआर हमारा कितना है कम है तो ये ऊपर होगा और वेलोसिटी क्या होगी रिवर ज्यादा है वो नीचे होगी हमने पहले बता रखा है और रिवर की वेलोसिटी में हमने सिर्फ वॉकिंग की वेलोसिटी ऐड करनी है तो ये वर्टिकल से आ जाएगा और ये अगर कॉस थीटा लेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल से आ जाएगा राइट गाइस तो आगे हम बढ़ते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन है द करेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्रोज इन प्रपोर्शन टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बैंक एंड रिचेज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट एट द मिडल मीन्स अगर हम ये रिवर बनाते हैं ये रिवर बनाया और रिवर की जो वेलोसिटी है ये अगर रिवर की वेलोसिटी है तो ये क्या है प्रोपोर्शनल टू द ये वाई हो जाएगी क्योंकि बैंक से जैसे अगर वाई हम लेते हैं तो ये वाई कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वाई हो जाएगी तो हम प्रोपोर्शनल ले तो की वाई लिख लेंगे राइट नियर द बैंक द वेलोसिटी जीरो यहाँ पे क्या है वेलासिटी इसकी ज़ीरो है boat is moving along the river in such a manner that the boatman rows the boat always perpendicular to the current means वो जो shortest वाला निकालते थे हम लोग वो है always perpendicular to this यानी इस तरह row कर रहा है the speed of boat in still water ये is u तो ये u हो गया यानी ये vbr हो गया एक तरीके से okay find the distance

दैट इज़ वी आर इज इक्वल टू के वाई वेन वाई इज ईक्वल टू सी बाई टू वी आर इज़ इक्वल टू वी नॉट सो वी आर इज इक्वल टू वी आर की जगह हम क्या लिख देंगे वी नाट यहाँ लिख देंगे के की वैल्यू रहने देंगे ये हमारा सी बाई टू हो गया तो के की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी टू वी नॉट बाई सी ये हमारा के हो गया तो इससे हमारा वी आर निकल गया जो कि हमारे पास हमेशा याद रखेंगे दैट इज टू वी नॉट बाई सी इंटू वाई ये हमारा एक इक्वेशन आ गया राइट right. अब ये पूछ रहा है कि कितना कैरी कर लेगी रिवर कैंडेज बोट को ओके okay, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये मिडिल पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी नॉट लेकिन इसके बियॉन्ड जब जाएगी इस तरफ तो क्या होगा इसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि बैंक के पास इसकी वेलोसिटी क्या दिखा रहा है ज़ीरो यहाँ पे भी क्या होगी बैंक पे क्या होगी यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी जीरो यहाँ भी जीरो तो बीच में इसकी मैक्सिमम हो रही तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे टाइम तो हमारा निकाल लेंगे टाइम क्योंकि यू कॉन्स्टेंट है तो टाइम तो हमारे पास आ गया टाइम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो तो वर्टिकल डिस्टेंस इज़ कवर्ड बाई वर्टिकल वेलोसिटी सो सी बाई डिस्टेंस हो गया बाई वेलोसिटी ये हमारा टाइम हो गया तो बीच में पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा इसका हाफ़ कर देंगे ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए अब आप देखो कैरी आउट करना है यानी मुझे एक्स चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो हम क्या लिखते थे वी आर इन टू टाइम ऐसे तो ये हो जाना चाहिए लेकिन यहाँ देखो वी आर ये वैरी कर रहा है और टाइम भी वैरी कर रहा है तो हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला नहीं लगा सकते अब मुझे इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या हो गए वेरेबल हो गए तो अब हमें केयरफुल होना है और केयरफुल दो मायने में होना है क्योंकि बीच में क्या हो रहा है इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है बीच के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इस बात का हमें ध्यान देना है ठीक है तो अब यहीं तक का हम निकालेंगे कैरीड आउट उसके बाद क्या होगा उसी से ये सेम इसका वेलोसिटी का जो प्रोपोर्शनलिटी है इसकी रिवर की सेम होगी यहाँ से मिडिल से मिडिल पॉइंट से यहाँ तक जाने में दूसरे बैंक में सेम होगा तो हम उसको जस्ट डबल कर देंगे राइट तो हमें एक डायरेक्शन में यानी वेलोसिटी जब हमारी इंक्रीज़ हो रही थी उसमें कितना कैरीड आउट हो जाएगा ये निकालेंगे मींस हम टाइम क्या ले लेंगे टी इज इक्वल टू या टी डैश लिख लेंगे तो सी बाई टू यू टाइम में कितना कैरीड आउट होगा ये निकाल लेते हैं और उसका डबल कर देंगे तो हमारा कैरीड आउट निकल जाएगा राइट ये बेसिक मतलब ये लॉजिकल है और ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आती हैं इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस चाहिए जब तक आप उसे सोचोगे विजुलाइज नहीं करोगे आप अगर होते तो सीधे इस टाइम को लेके कर निकाल देते राइट right. तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले एक्स ले लेंगे तो अब विलासिटी को हम लिखेंगे जो ये वी हम लोग ने निकाला है जिसको हम लोग लिख लेंगे डी एक्स बाई डी लिख सकते हैं क्योंकि हॉर्जेंटल वेलोसिटी है रिवर की और उसको हम लिख लेंगे टू वी नाट बाई सी इंटू वाई और यहाँ पर टी है और यहाँ पर वाई है अब हम इसे इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते टोटल निकालने के लिए तो पहले वाई को मुझे टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वाई के टी में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा ईजी है क्योंकि वाई अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट यू उसके अलाग कॉन्स्टेंट है तो वाई इजल टू ऑलवेज़ क्या हो जाएगा यू इन टू टी जो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम इंटू और ये कॉन्स्टेंट इसके अलांग तो यहाँ से हम वाई को रिप्लेस कर सकते हैं और इसको रिप्लेस करके लिखेंगे टू वी नॉट डिवाइडेड बाई सी वाई को लिख देंगे यू इन टू टी राइट गाइज अब ये हो गया हमारा अब टी यहाँ भी है और ये भी हो गया अब मुझे कितना इतने टाइम में यानी हाफ टाइम में जो पूरा टाइम कितना लग रहा है सी बाई यू और हम सी बाई टू यू टाइम में इसका हॉजल जितना कैरियड आउट होगा वो निकालेंगे तो इसके लिए हम इक्वेशन एक बार फिर से लिखते हैं दैट इज टू टू वी नॉट यू बाई सी और इनटू टी डी टी और इंटिगेट करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्चुअली एक्स डैश हम निकालेंगे हाफ निकाल रहे हैं तो और इसको इधर इंटीगेट करेंगे तो ये हो जाएगा टू वी नॉट यू बाई सी और यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग लगा देंगे जीरो से सी बाई टू यू राइट तो और ये हम लिख देंगे दैट इज टू वी नॉट यू बाई सी इन टू अब ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वा बाई फोर यू स्क्वायर और ये हमने कैंसिल आउट कर दिया दैट इज़ एक यू ये कैंसिल आउट किया और ये हमने आ, ये वन बाई टू यहाँ रखेगा ये वाला टू रहेगा इसका स्क्वायर करेंगे फोर होगा ये टू और ये टू क्या होगा कैंसिल तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज वी स्क्वायर सी बाय फोर यू राइट इतना डिस्टेंस जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये जाएगा अब इसके आगे भी जाना है तो इसका जस्ट डबल क्योंकि उसी प्रोपोर्शनल में कम होगी जिस प्रोपोर्शन से वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये हो जाएगा हमारा 2x और इतना ही क्या होगा हमारा ड्रिफ्ट होगा और ये ड्रिफ्ट हो जाएगा दैट इज़ ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा हमारा ये

जितनी देर हमने अभी यहाँ किया अगर फिजिक्स का बेसिक फंडा लगाते जो आपको अभी से याद होना चाहिए अगर प्रोपोर्शनैलिटी में लीनियर प्रोपोर्शन होता है कोई भी वेरिएशन तो एवरेज हम लोग लेते हैं और एवरेज क्या होता है हमेशा यहाँ ज़ीरो है और यहाँ पे वी नॉट है तो यहाँ से यहाँ एवरेज वेलोसिटी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं दैट इज़ ज़ीरो प्लस वी नॉट बाई टू दैट इज़ वी नॉट बाई टू ये हम कर सकते हैं और ये वेलोसिटी हम पूरा मान लेते थ्रू आउट दिस तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे इतना टाइम लेगा सी बाई यू और इतनी इसकी वेलोसिटी थी तो टोटल कितना कैरीड आउट होगा दैट इज़ वी नॉट बाई टू इंटू सी बाई यू डायरेक्ट लिख सकते थे इतना करने की ज़रूरत नहीं थी अगर हम सिंपल लॉजिक लगाते राइट गाइज तो ये आपके लिए एक याद करने की चीज़ है जो आपके टाइम को बहुत बचाएगी अगर कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी होता है तो आप डायरेक्ट बाई टू कर देते हैं जीरो इनिशियल फाइनल डिवाइडेड बाई टू राइट तो ये हमारा विद इन सेकेंड निकल जाता है इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी इतना सोचने की जरूरत नहीं थी राइट right गाइस तो अब हम देखते हैं पाथ पूछ रहा है इसका तो पाथ सपोज लो कहीं पे पहुंचे यहाँ पे तो ये हमारा वाई हो गया और ये एक्स हो गया तो इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं एक्स वाई तो वाई की वैल्यू हमने लिखी रखी है दैट इज वाई जू टू यू यू इंटू टी ये लिख रखा है और हमारे पास एक इक्वेशन और है दैट इज़ यहीं से आप देखो हमारी इक्वेशन यहाँ पे आप देखो क्या आएगी ये वाली इक्वेशन हम लोग देखते हैं ये वाली जो टी के फॉर्म में है विदाउट हम इसको रखने में यूज़ किए थे दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू वी नाट बाई सी इंटू यू और ये लिखे थे हम टी स्क्वायर बाई टू तो ये टू टू कैंसिल हो गया और यहाँ पे हम टी की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा वी नाट यू बाई सी और टी की वैल्यू यहाँ से क्या लिखो वाई बाई यू मीन्स वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ये हमारा कैंसिल आउट हुआ है क्यों तो वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज़ सी यू बाई वी नाट इन एक्स ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रेजेक्ट्री ये किसका है ये हम लोग ने देख रखा है ये हमारा पैराबोला इक्वेशन है दैट इज वाई स्क्वायर टू फोर एक्स फॉर्म में है right? राइट तो ये हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए इस फॉर्म में है तो ये पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ये जाएगा राइट right? तो ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा जिसकी इक्वेशन हमारी ये होगी चलते हम लोग ट्वेल्थ क्वेश्चन पे अ रिवर ऑफ विथ ए विद स्टेट पैरल बैंक फ्लोज ड्यू नॉर्थ विद स्पीड ऑफ यू ओके मीन्स ये नॉर्थ में जा रहा है कुछ इस तरह है क्वेश्चन रिवर का फ्लो क्या है नॉर्थ की ओर है द पॉइंट्स ओ एंड ए आर अपोजिट बैंक्स एंड ए इज डू ईस्ट ऑफ ओ मींस ये ओ है और ए इसके ईस्ट में है ए राइट ये इस तरह है तो तो इधर हम ओ वाई ले, ले लेते हैं और इधर ओ एक्स लेते हैं बोट हुजॉसिटी वी रिलेटिव टू वॉटर वी बी आर दे रखा है ये ये VBR है रिलेटिव टू वॉटर स्टार्ट फ्रॉम को एंड क्रॉसेज द रिवर बोट इज स्टीय ड्यू ईस्ट यानी बोट क्या है ड्यू टू ईस्ट स्टेयर हो रही है एंड ड्यू ईस्ट एंड यू वेरीज विद एक्स एज दिस ओके पिछले क्वेश्चन में हमारा जो रिवर की वेलोसिटी थी वो प्रोपोर्शनल थी पर यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी क्या है यू जो है वो इस तरह वैरी कर रही है और वो स्टीयर किधर कर रहा है बोट हुज वेलोसिटी बी रिलेटेड टू वाटर स्टार्ट फ्रॉ मेन क्रॉस बोट इज स्टेयर डू ये पर्पेंडिकुलर है ये बी हमारा ये दे रखा है ये पर्पेंडिकुलर इधर क्रॉस कर रहा है और ये जो u दे रखा है रिवर की वेलोसिटी ये u जो है कुछ इस तरह वेरी कर रही है दैट इज इक्वल टू x इंटू ए माइनस एक्स वी स्क्वायर राइट अब इक्वेशंस ये क्वेश्चन है थोड़ा सब्जेक्टिव uh, क्वेश्चन है लंबा है तो बड़े ध्यान से समझेंगे डिटो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है जो हमने अभी सॉल्व किया पर यहाँ पे यू के वेरिएशन अलग है तो अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ बोट क्या होगा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर तो यही निकल जाएगा क्योंकि बी तो कॉन्स्टेंट है डिस्टेंस इसका दे रखा है ए इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं तो टाइम तो तुरंत निकल जाएगा इसका टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टाइम हम लोग लिख ही लेते हैं दैट इज टाइम टेकिंग यहीं पर लिख देते हैं टू क्या हो जाएगा ए बाई वी क्योंकि वर्टिकल वी स्टेयर कर रहा है डिस्टेंस ए है इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं तो ये तो हो गया हमारा ए बाई वी बी का आंसर फिर सी है एप्सरूट वेलासिटी ऑफ बोटमैन वेन ही रीचेज द अपोजिट ऑफ बैंक ओके जब ये आ, पर्सन यहां पहुंचेगा अपोजिट बैंक में तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट मैन वेन ही रीचेज द अपोजिट बैंक फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओके तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखते हैं तो अब यू तो यहाँ पे आप देखो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप v इन टी इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जो एक्स डिस्टेंस कहीं पे आएगा ये क्या होगा रिलेटेड टू कोई टाइम लगा यहाँ पे ये एक्स वाई है ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करेगा ये हॉर्जेंटल वलॉसिटी तो ये हमने लिख दिया और कॉन्स्टेंट इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब यहाँ पे आप देखो ये क्या लिख सकते हैं u को हम क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई यू हम लिख सकते डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स इंटू ए माइनस एक्स वी बाई ए स्क्वायर अब यहाँ पे हमने सबको रिप्लेस कर देना है क्योंकि ये टी है और ये एक्स है वेरिएशन तो इसको वेरिएबल एक होना चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे वी टी और ये लिख देंगे ए माइनस वी टी और ये लिख देंगे वी बाई ए स्क्वायर और इसे हम कुछ इस तरह लिख देते हैं दैट इज डी वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू टी को अंदर ले जाते हैं दैट इज ए टी माइनस वी टी स्क्वायर राइट अब सिंपल है इंटीग्रेट कर देते हैं हम और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये y हो जाएगा ये वी स्क्वायर बाई ये वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये हो जाएगा a इंटू टी स्क्वायर बाई टू और ये हो जाएगा हमारा v t क्यूब बाई थ्री ये हमारा t के फॉर्म में आया t को यहाँ रिप्लेस कर देंगे t की जगह x बाई वी लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये हो जाएगा a बाई टू और t स्क्वायर क्या लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस वी इंटू यहाँ क्यूब है तो लिखेंगे एक्स क्यूब बाई वी क्यूब ठीक है और ये थ्री हो जाएगा यहाँ पे तो वी स्क्वायर हर जगह है तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये और ये मिलके कैंसिल तो हमारा जो ट्रैजेक्टरी आ जाएगी दैट इज़ वी वाई इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हो इसे एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो आप ए ए कैंसिल हो जाएगा बाई टू ए माइनस और यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज एक्स क्यूब अपॉन थ्री वी कैंसिल हो गया ये पूरा थ्री ए स्क्वायर ये हमारा ट्रेजिक्ट्री आ जाएगा राइट right. है अब मुझे चाहिए टोटल ये हमारा पार्ट वन हो गया अब मुझे चाहिए एब्सलूट वेलोसिटी ऑफ अ बोट व्हेन इट रीचेज द अपोजिट बैंक एब्सलूट वेलोसिटी जब अपोजिट बैंक पे पहुँचेगा तो अपोजिट बैंक पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ हम निकाल सकते हैं ना इस पहले ही इक्वेशन से जो दे रखा है रिवर की यहाँ पे हम रख देंगे एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे हम ए तो यू तो ज़ीरो हो जाएगा तो सिर्फ हमारा बचेगा यही आपकी बोट की वेलोसिटी तो वो क्या हो जाएगी एब्सलूट वेलोसिटी तो एब्सलूट वेलोसिटी एड रिवर यहाँ पे हम रख दें इक्वेशन में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू ए रखा यू हो गया हमारा जीरो यानी वी बी आर क्या हो गया ज़ीरो और ये हमारा और बोट की वेलोसिटी इसने दे रखी है दैट इज़ आपकी है तो इन दोनों का एडिशन करेंगे वेक्टर एडिशन तो जीरो है ये तो एप्सलूट यू की वैल्यू जीरो है ये और बी बी आर दे रखी है बी तो बी एब्सलूट क्या हो जाएगा दैट इज बी इन दोनों का एक्टर ड्यू ईस्ट अब कुछ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोटमैन व्हेन ही रीचेज द अपोजिट बैंक फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओके तो अब हम यहाँ देखते हैं इनिशियल पोजीशन पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका यानी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई की वैल्यू में निकालना है तो एक्सुअल टू ए रख देते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे यानी एट एक्सुअल टू ए वाई क्योंकि इक्वेशन निकाल चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा ए रख देंगे तो ए स्क्वायर बाई टू ए माइनस ए क्यू बाई थ्री ए स्क्वायर ये आपका एक कट गया यहाँ से एक ए बचा ए बाहर निकाल लिया वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री दैट इज ये हो जाएगा ए बाई सिक्स ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये काम जो हमने देख। इस क्वेश्चन को देखते हैं अ रिवर ऑफ विथ ए ये रिवर है ए इज फ्लोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी अ बोट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी also with the velocity v related to river important point any velocity river key or uh, boat key same hai. the direction resultant direction of resultant velocity is always perpendicular to the line joining boat and the fixed point R. यानी ये लाइन कहीं पे भी, भी बोट है यहाँ पे सपोज कर लो तो ये लाइन इसको जो ज्वाइन कर रही है इट इज़ ऑलवेज़ पापेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ऑलवेज यानी जो वी बी है ये ऑलवेज़ पापेंडिकुलर टू तो क्या है ये लाइन ज्वाइनिंग का है तो ये लेटेड भी अगर हम इसको ए मान लें तो ये हमेशा परपेंडिकुलर है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट Q इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर ओके एंड R ए पी क्यू एंड आर इन स्ट्रेट लाइन इफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एके भी A है ये भी A है ओके okay. फाइंड

वेक्टर एडिशन होता है और यहाँ पे इनकी ये वी बी आर और क्या है ये वी 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 आर इनकी वेलोसिटी क्या है सेम है ये बात हमें ध्यान देना है तो वी बी का जो रिज़ल्टेंट होगा जब इक्वल मैग्नीट्यूड होता है तो हमने पढ़ा है अपने फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है रिजल्टेंट क्या होता है इनकी वेलोसिटी वी है इसकी भी वेलोसिटी वी है तो रिजल्टेंट इनके बीच जो भी एंगल होगा वो हम क्या ले लेंगे टू वी कॉस थीटा बाई टू अगर इनके बीच एंगल थीटा होता है और आ, ये रिजल्टेंट जो है ये हमारा बेसिक थॉट है कि अगर ये दोनों वेलोसिटी है ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो रिज़ल्टेंट हमेशा क्या जाएगा बीस से होकर जाएगा यानी ये एंगल अगर कुछ भी है अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है तो अब ये थीटा बाई टू नेट क्या हो जाएगा ये वी वी दैट इज़ टू वी कॉस कॉस्थीटा राइट ये कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए जो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं तो चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको क्लियर यहाँ करते हैं फ्रेश बनाते हैं ये यहाँ पे है ये इस तरह आया इस फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं फिर से ये ए हो गया तो ये रिजल्टेंट है हमारा दैट इज़ वी बी और ये एंगल इट बी अल्फा है एट सॉरी थीटा है एट एनी मोमेंट ठीक है अच्छा जब ये यहाँ से मूव कैसे भी करे लेकिन ये हमेशा क्या है नाइन्टी डिग्री है तो ये बात क्लियर हो गई कि ये क्या होगा सर्कुलर पाथ होगा राइट right? तभी तो टैंजेंट क्या होता है जो ये टेंजेंट हो गया वी और ये रेडियस की क्या होगा पर्पेंडिकुलर और इसका रेडियस क्या हो जाएगा टू यानी ये अगर पॉइंट आर है और ये पॉइंट हमने वहाँ पे ए लिया है तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि ये ए है और ये ए है तो रेडियस इस सर्कल का क्या हो जाएगा सर्कल फॉर्म करेगा एक्चुअली है ना तो ये केस हमारे सिर्फ सर्कल में आता है तो पहला तो ये क्लियर हो गया ये क्या हो रहा है सर्कल पाथ इसका तो आंसर क्लियर हो गया सिर्फ सिंपल लॉजिक से हमने निकाला नाउ द ड्रिफ्टिंग ऑफ द बोट मीन्स ये ये इस तरह मूव कर रहा है और ये इस तरह मूव करते करते ये सर्कल कहाँ पे पहुँचेगा इट भी यहाँ पहुँचेगा तो यही तो ड्रिफ्ट हुआ और ये हमारा क्या हो गया डेट दिस एंगल इज अल्फा ले लें ये पूरा एंगल क्या ले लें अल्फा इट बी अल्फा ले लें तो अब ये टू ए है तो ये क्या हो जाएगा ये हम वैल्यू निकाल सकते हैं ये टू है ये अल्फ़ा हम अल्फा की वैल्यू पता चल गई अब देखो यहाँ से देखो तो कॉस अल्फा क्या आ रहा है दैट इज़ cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाई दैट इज ए बाई टू एंड दैट इज़ इक्वल टू वन बाई टू तो ये निकल गया वन बाई टू और ये ड्रिफ्टिंग हुई दैट इज़ एक्स हमारा क्या है यही तो है तो एक्स हमारा कैसे निकालेंगे अल्फा ये आ गया मेरा पूरा अल्फा हो गया ये पॉइंट अब बी ले लो लेट इट बी बी और ये पॉइंट तो दिया ही हुआ है क्यू तो क्यू बी अगर हमें निकालना है क्यू बी तो हम एंगल अल्फ़ा पता है तो हम निकाल सकते हैं अल्फा ये पता हो गया तो हम साइन यूज़ कर सकते हैं तो क्यू बी फाइंड आउट करने के लिए अगर हम साइन अल्फ़ा यूज़ करते हैं दैट इज़ जो ड्रिफ्ट है वो क्यू बी है डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज़ हाइपॉटन्यूज़ क्या हो जाएगा आर बी एंड दैट इज़ इक्वल टू टू ए सो क्यू बी इज़ इक्वल टू टू ए साइन अल्फा सिंपल था तो टू ए हो गया और साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा पता है तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा तो हम ट्राइंगल बना ही लेते हैं यहाँ पे ये ट्राइंगल हम यहाँ बनाते हैं ये हमारा ट्राइंगल है ये अल्फ़ा है कॉस अल्फ़ा वन बाई टू तो ये क्या हो गया रूट थ्री स अल्फा वन बाई टू थ्री तो हो गया रूट थ्री तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा इज रूट थ्री बाई टू और ये टू टू कैंसिल इट विल बिकम ए रूट थ्री वाह सो सिंपल देखने में कितना लग रहा था टफ लेकिन कुछ लॉजिक्स हमारे बेसिक्स याद हैं और टाइम पे याद आ जाए तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं राइट तो सिंपल ये दो पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया दैट इज नाउ द टाइम टेकिंग टू क्रॉस द रिवर अब बिकॉज थीटा वैरी कर रहा है तो ये बी की वैल्यू क्या हो रही है वी बी की वैल्यू क्या हो रही होगी वैरी कर रही होगी तो हम अब यूनिट्री मैथड नहीं लगा सकते हैं ना जैसे जैसे थीटा वैरी क्योंकि अल्टीमेटली इसको यहाँ पहुँचना है ड्रिफ्ट ये बी पॉइंट पर तो अब हम यूनिट्री मैथड नहीं लगा सकते अब मुझे ये सोचना पड़ेगा ये एक बात क्लियर हो गई कि अब मुझे इंडिगेशन अप्लाई करना पड़ेगा राइट दो वेरिएबल हो गया आपको वेलोसिटी हमारी अब कांस्टेंट नहीं है ये जैसे जैसे टाइम जा रहा है इसकी वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है राइट right? तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे आ, तो अब हम कोई भी ये जो थीटा है इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि ये दी थीटा ले लेते हैं ये राइट right? छोटा सा इस दौरान यहां पे हम क्या करेंगे ये वी बी का क्या ले लेंगे कॉन्टेंट्रीट कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या ले लिया यहाँ पे d थीटा को ले लिया तो d थीटा के आर ये हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं आर्क है लेकिन हम इसे स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं तो अब यहाँ पे हम d थीटा देखेंगे तो d थीटा क्या हो जाए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आर्क ये ए है ये a डैश ले लो आप तो क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस रेडियस हमारा टू ए है तो ए डैश क्या हो गया हमारा टू ए इंटू डी थीटा अब ये कांस्टेंट लेंगे तो टाइम यहाँ पे हम डी लिख लेंगे तो अब हम डी क्या करेंगे दैट इज़ डी टी इज इक्वल टू ए ए डैश अपॉन क्या लिखेंगे आ, वी बी राइट right. ये क्लियर हो गया और ए डैश हमने अभी ये निकाला दैट इज टू ए इंटू डी थीटा और वी बी ये हो गया अब आप देखो अब मुझे वी बी चाहिए अब वी बी हम लोग कैसे निकालेंगे अब यहाँ पे आप आओ जरा ध्यान से यहाँ पे हम देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा ये वी बी इसको देखने के लिए क्या करें ये इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे ये हमारा क्या है थीटा ये पूरा है ना ये ए से जो थीटा एंगल बना रहा है तो अब आप इसको थोड़ा पीछे करें ये ठीता है ये इसको थोड़ा आप पीछे करेंगे ये तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा ये 90 माइनस थीटा होगा और ये पूरा 90 है तो ये एंगल क्या होना पड़ेगा थीटा एम आई राइट ये पूरा 90 है आप अब अब ड्रॉ करके खुद देख लेना सिंपल सर्कल का प्रॉब्लम अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा ये एंगल 90 है ये एंगल हमारा क्या है 90 माइनस थीटा है राइट right? तो अब ये एंगल तो थीटा होगा तभी तो सब मिलके क्या होगा 180, राइट right? तो ये एंगल थीटा हो गया यानी जो रिवर की वेलोसिटी वी से ये क्या बना रहा है थीटा, तो जो उसकी आ, आ, विद रिस्पेक्ट टू तो वेलोसिटी v है उससे भी एंगल क्या बना रहा होगा थीटा अब यहां पे दोनों एंगल क्या हो गए यानी V और रिवर के वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या हो गया टू थीटा राइट और जो हम लोग ने यहां देखा था सेम आ गई ये तो राइट अगर टू थीटा इनके थीटा थीटा रहे तो रिजल्टेंट वी भी क्या हो जाएगा टू वी कॉस्ट थीठा राइट जो हम लोग वैक्टर एडिशन में पढ़ा था एनालिटिक मेथड में नहीं देखा है उस वीडियो को आप देखोगे इसलिए मैंने क्या किया है मैंने क्या किया है इसको बड़े वेक्टर uh, को बड़ा डिटेल में पढ़ा है तो उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अब आप देखो हम लिखेंगे टू ए डी थीटा बाई वी बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी दैट इज टू ए कॉस थीटा टू वी कॉस थीटा राइट ये हो गया हम अब ये थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है थीटा का वेरिएशन क्या है जीरो से कहाँ जा रहा है अल्फा तक जा रहा है राइट ये ध्यान देना है तो ये हमारा डी आ गया अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया और अब हम करेंगे कंप्लीट डी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दैट इज़ डी टी यहाँ इंडिकेट करेंगे और इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे टू टू कैंसिल हो गया है ना और ए बाई वी हम बाहर निकाल लेते हैं ए बाई वी को हमने बाहर निकाल लिया अब बच गया अंदर sec theta d theta और theta वेरी from ज़ीरो to कहाँ अल्फ़ा तक क्योंकि अल्फा बी पे आ रहा है तो यहाँ पे हमने अल्फा ले रखा है right guys अब ये आ, अब ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स आइज जो आपको याद होनी चाहिए sec theta का जो इंडिकेशन होता है वो होता है log sec theta plus tan theta ये आ, याद होना चाहिए थोड़ा टफ प्रॉब्लम है सो so, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम जो अच्छी बुक्स हैं उनका है ये तो ये ज़ीरो टू अल्फ़ा लिखेंगे राइट right? और अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए बाई वी अब अल्फ़ा रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये लिखेंगे अपर लिमिट पहले ये सब इंटीग्रेशन वाला जो मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे है तो log sec अल्फ़ा tan अल्फ़ा माइनस sec ज़ीरो क्या हो जाएगा वन और टेन जीरो ज़ीरो और लॉग वन क्या हो जाएगा वापस क्या हो जाएगा ज़ीरो ठीक है तो ये वापस लिट क्या हो जाएगा ज़ीरो और अब आपका आ जाएगा दैट इज़ ए अपॉन वी और ऊपर से आप देखो सेक अल्फ़ा क्या है हमारा सेक अल्फा आप यहाँ देखो दैट इज़ टू है हाइप न्यूज अपॉन बेस कॉस का उल्टा हो गया या कॉस हमने निकाल रखा है तो इसका उल्टा टू हो गया और tan अल्फा क्या हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन वी लॉग टू हो गया और, that is, it will become और इसका आंसर हम देखते हैं तो ये आएगा कैलकुलेटर चेक करते हैं तो ये हमने निकाला दैट इज़ थ्री पॉइंट सेवन थ्री टू और इसका हमने लॉग लिया नेचुरल लॉग होता है तो नेचुरल लॉग ये है इसका नेचुरल गया तो वन पॉइंट थ्री वन सिक्स नाइन मीन्स हो सकता है वन पॉइंट थ्री वन सेवन राइट तो ये हम यहां पे लिखते हैं दैट इज ए अपॉन वी वन पॉइंट थ्री क्या था वन सेवन दिस इज द आंसर राइट अच्छा क्वेश्चन था सिंपल था फिर से मैं ऐसे ब्रीफ कर रहा हूं दो चीजें हमने यहां पे एक्स्ट्रा यूज की एक ये रिजल्ट यूज किया यहाँ पे कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर का जो रिज़ल्टेंट होता है वो 20 से जाता है और यहाँ रिजल्टेंट हमारा क्या था बी बी था और दोनों रिवर के वेलोसिटी और उसकी बोट की वेलोसिटी सेम थी इसलिए बाई किया ये एडवांटेज मिला और ये जो हमने वर्टिकल से थीटा लिया किसी भी मोमेंट ए पे तो वो क्या हुआ थीटा और थीटा बराबर हो गया तो दोनों वेक्टर्स जो हमने ये देखा है वेक्टर रूल का तो इनका क्या हो गया इनका एडिशन लेना है तो वेक्टर एडिशन गया तो वो क्या आ गया हमारा टू वी कॉस थीटा बाई टू होता है यहाँ थीटा नहीं है ये तो जनरल पढ़ा था यहाँ टू थीटा है तो दैट विल बिकम दिस टू वी कॉस्ट थीटा हो जाएगा ये वी वी की वैल्यू निकल गई बिकॉज थीटा वेरी कर रहा था तो वी चेंज कर रहा था वी वी की वैल्यू चेंज कर रही थी एज थीटा तो हमने स्मॉल डी थीटा लेके उसका स्मॉल टाइम निकाला डी टी और फिर उसको इंटीग्रेट करके ये निकाला और इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉक सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है राइट गाइस आई होप अगर नहीं आया तो आप फिर से इसे रिवाइंड करके देखें और ये जो जहाँ पे हमने जो एंगल्स लिए हैं थीटा किस तरह आया ये आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं दो तो हमने बिकॉज हमारे स्क्रीन छोटे रहते हैं तो इसमें आपको पूरा समझाना रहता है तो कोशिश करूँगा कि जूम करके आपको इसको दिखाऊँ लेकिन आप खुद इसे एंगल्स चेक कर लेंगे राइट right गाइस तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन है मैन इन अ बोट क्रॉसेज रिवर फ्रॉम पॉइंट ए ए इफ ही रोज पडिकुलर टू द बैंक ही रीचेज पॉइंट सी बी सी की वैल्यू दे रखी वन ट्वेंटी मीटर इन टेन मिनट्स ओके इफ द मैन हेड्स एट एन एंगल अल्फा To the straight line AB, AB is perpendicular to the bank against the current, he reaches the point. Uh, point spelling, galat hai. Baat B in 12.5 minutes. Find, find the width of river A, the rowing uh, velocity U.

एंड एन एंगल्फा अज्यूम द वेलासिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू वाटर टू बी कॉन्स्टेंट एंड द सेम मैग्नीट्यूड इन द बोथ केसेज राइट गाइज सिम्पल प्रॉब्लम है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछले कई न्यूमिकल्स में देखा है तो पहला केस मिनिमम टाइम का है दूसरा केस शॉर्टेज पाथ का है तो टाइमिंग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं क्या लिख सकते हैं टाइमिंग पहले अगर हम मिनिमम टाइम लिखते हैं तो ये हमारी मिनिमम टाइम क्या होगी दैट इज़ जो दे रखा है रिवर विथ ए है तो टाइमिंग जो पहला जो दे रखा है टेन मिनट्स तो वो हो जाएगा हमारा क्या सिंपल भाई है डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो टेन मिनट्स और वो पपेंडिकुलर जा रहा है विथ वेलोसिटी हमने क्या लिखा वी तो ये वी ले, ले लेते हैं क्योंकि लास्ट uh, लाइन क्या कह रहा है ज्यूम द वेलासिटी ऑफ द बोड रिलेटेड वाटर कॉन्स्टेंट एंड सेम मैग्नीट्यूड इन बोथ केसेस यानी जब वो पर्पेंडिकुलर जा रहा है तब भी, भी है और इधर एंगल अल्फा से जा रहा है तब भी, भी है तो टेन मिनट्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास और ड्रिफ्ट दे रखा है तो इतने में वो ड्रिफ्ट करेगा ड्रिफ्ट भी हम लोग ने देख रखा है और एक्स क्या होता है वो जो रिवर की जो वेलोसिटी यू है इन टाइम इन टू टाइम यही होगा ना ड्रिफ्ट और टाइम कितना लगा मुझे आ, टेन मिनट्स तो ये हो गया हमारा टेन यू लिख सकते हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है ड्रिफ्ट ये ये दे रखा है बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इसने वन ट्वेंटी मीटर दे रखी है तो यहाँ लिख सकते वन ट्वेंटी इजिकल टू टेन यू और यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से ये सिंपल हो गया ये तो पहले निकल गया दैट इज़ ट्वेल्व मीटर पर मिनट राइट ये ध्यान रखना है तो u हमें रिवर की तो वेलोसिटी, रिवर करंट की वेलोसिटी तो मिल गई ये सेकेंड पार्ट हो गया अब मुझे चाहिए रोइंग वेलोसिटी। अब उसके लिए सेकेंड पार्ट हम देखते हैं uh, ये शॉर्टेस्ट पार्ट है तो इसका भी हम लोग का एंगल अल्फा मुझे पता है हो सकता है कैसे दैट इज़ वो हम लोग ने पढ़ा है uh, अगर आप देखा है तो हम क्या लिखते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या लिखते हैं ये किससे है आ, वर्टिकल से तो यहाँ साइन इनवर्स और अगर बेस होता है तो कॉस लिखते तो यहाँ क्या लिखते हैं आ, रिवर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे हमने लिए यू और वी बाई वी यही होगा ना यानी साइन अल्फ़ा हम लिख सकते हैं दैट इज़ यू बाई वी ये इक्वेशन हमने ड्रा कर लिया राइट यू हमें पता है बी अभी पता नहीं है वो पता करना है तो टाइम क्या लगता है हमें टाइम हमें लगता है ये पता ये भी पता है हमने कई बार यूज़ किया है दैट इज़ ए अपॉन क्या होगा दैट इज़ अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ हम वी आर स्क्वायर लिखते हैं यहाँ वी बी आर लिखते थे तो टाइम ये दे रखा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिनट्स तो बहुत सारी क्वेश्चन मिल गए हमारे पास अब मुझे बस सॉल्व करना है तो आ, एक ये टेन वी यहाँ रखा और मुझे ये पता है दैट इज़ क्या दैट इज़ वी स्क्वायर और यू हम लोग निकाल रखा है इसलिए प्रॉब्लम नहीं यू हमारा क्या है ट्वेल्व तो ये हो जाएगा वन फोर और ये हो जाएगा हमारा ट्वेल्व पॉइंट फाइव राइट अब ये सिंपल इक्वेशन है उसको हम लोग को सॉल्व करना है तो वी की वैल्यू निकल जाएगी तो चलो सॉल्व करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा हमारा क्या हंड्रेड वी स्क्वा डिवाइड बाई वी स्क्वायर माइनस वन फोर्टी फोर और ट्वेल्व का ट्वेल्व पॉइंट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो फाइव का करा तो ट्वेंटी फाइव और ट्वेल्व का नेक्स्ट डिजिट क्या है थर्टीन 12 थ्री ज़र्टी सिक्स थ्री और ट्वेल्व वन ये और ये हो गया हमारा वन फाइव राइट जो फाइव वाले होते हैं उनका स्क्वायर करना आपको आना चाहिए नेक्स्ट डिजिट होते हैं ना वो आपने जानते ही होंगे फिर भी मैं यहाँ बता दूँ जैसे सेवन पॉइंट फाइव के स्क्वायर करना है तो ये ट्वेंटी फाइव लिखेंगे लिखेंगे और सेवन के नेक्स्ट डिजिट क्या एट है तो ये हम लिख देंगे फिफ्टी सिक्स एट सेवन जो फिफ्टी सिक्स राइट वही किया हम लोग ने यहाँ नेक्स्ट डिजिट थर्टीन था तो ट्वेल्व थ्री जो थर्टी सिक्स थ्री ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन राइट अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव वी स्क्वा है ना माइनस वन फोटी फोर into 156.25 फाइव uh, is equal to इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 वी स्क्वायर और इसको इधर ले आएँगे इसको इधर ले आएंगे इसमें से हंड्रेड गया तो क्या बचेगा दैट इज 56.25 सिक्स पॉइंट वी स्क्वा बचेगा और यहाँ आ जाएगा 144. फोटी फोर पॉइंट इंटू वन सो वी स्क्वायर वी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट अंडर रूट ऑफ वॉट ये पूरा ये हो जाएगा हमारा 144 फोटी फोर इंटू वन फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टी और इसका रूट हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इसको तो स्क्वायर हमने अभी भी किया है किसका किया था डेट इज़ 12. Point. फाइव के किया था तो ये आया था तो ये हो जाएगा हमारा ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय इसका रूट निकालेंगे वही है ये फिफ्टी सिक्स है इसका भी हमने एग्जाम्पल ले रखा है कोई बात नहीं ये तो चांस की बात है तो वही एग्जाम्पल लिया तो ये हो जाएगा हमारा सेवन पॉइंट फाइव राइट अब हम इसे सॉल्व करते हैं ये पॉइंट ये पॉइंट गया ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव थ्री ज़ और ये फाइव टाइम्स और ये थ्री फोर टाइम्स और ये हो गया हमारा ट्वेंटी मीटर पर मिनट राइट ये मुझे मिल गई क्या कहते हैं वेलोसिटी किसकी मिली बोट uh, की विद रिस्पेक्ट टू रिवर और अल्फा पूछ रहा है तो साइन अल्फा अब हम आराम से निकाल सकते हैं ये जो हमने यहाँ लिखा है ये सब हमने कई बार यूज़ किया है तो साइन अल्फा हो गया हमारा दैट इज़ यू यू की वैल्यू हमने निकाल रखी है ट्वेल्व डिवाइडेड बाय ट्वेंटी और ये हो गया फोर थ्री ज और फोर फाइव ज़ा वाओ ये भी थ्री बाई फाइव आ गया इसकी वैल्यू भी हमें पता है uh, नहीं पता है तो ये क्या हो गया ज़ीरो पॉइंट सिक्स और पॉइंट फाइव किसकी होती है थर्टी तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी थोड़ा ज़्यादा है तो ये हमारा फेवरेट है दैट इज थर्टी सेवन डिग्री के आसपास राइट right, गाइस सब क्वेश्चनस हमारे आ, वैसे ही देखा जाए अगर ये सब चीज़ें आपको याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा लेकिन आपने ये सब क्वेश्चन को सॉल्व हमने शुरू में ही किया हुआ है अपने पिछले वीडियो में भी देखा है मिनिमम टाइम शॉर्टेस्ट पाथ इवन वेलोसिटी ऑफ रिवर जब ज़्यादा होती है बोट के वेलोसिटी से उसका पाथ और टाइम की जो कंडीशन हम लोग ये लेके निकाले हैं वो हमने पिछले वीडियो में फाइव लेक्चर्स लिए हैं तो वहां पे आप अगर देखे होंगे तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाता है राइट गाइस तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन इन रोबोट मस्ट गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये पॉइंट बी है on the opposite bank of the river the distance bc is a bc is a not this bc is a the width of river ac is b this is b at what minimum speed you related to the water should the boat ट्रेवल टू रीच पॉइंट बी द करेंट वेलॉसिटी इज वी नॉट ओके फिर वही प्रॉब्लम जो हमने पीछे था इसको हम लोग क्या करते हैं वी ले लेते हैं रिलेटिव को और इसको हम लोग ले लेते हैं यू नॉट राइट अपना एजम्पन है ना इसको यू नॉट ये वी हमेशा ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं uh, बोट या सुमेर के वेलॉसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर राइट है ना सिंपल कह लिया इस क्वेश्चन को देखें तो इसे अल्टीमेटली कहाँ जाना है बी ये बी पे जाना है यानी रिवर की वेलोसिटी तो हमारी ये होगी ये हम लिख लेते हैं यू नॉट अब मुझे ये जाना है तो ये हमारा रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया राइट यहां हम कहीं ये वेक्टर लिख सकते हैं ओके अब कह रहा है मिनिमम या किसी भी वेलोसिटी में हम पहुंच सकते हैं यहाँ पे या हम जो ये देखो ना ये है एडिशन ही तो चाहिए हम ऐसे रख दें ये यू कर दें ऐसे कर दें वेलोसिटी ट्राइंगल बना देना तो क्योंकि हम पढ़ ही कि दैट इज वी बी इज इक्वल टू क्या होता है वी बी आर प्लस वी आर वैक्टर एडिशन होता है तो वी आर प्लस वी बी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वी बी हो जाएगा वी बी तो यही है ना लेकिन शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो मीन्स इस पॉइंट से अगर ले रहे हैं वेक्टर तो ये क्या होना चाहिए शॉर्टेस्ट यही तो शॉर्टेस्ट वेलासिटी हुई देखो बाकी कोई भी लेंगे तो लॉन्ग हो जाएगी वो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी जो कह दो वही तो बनेगी तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी जो कि इससे क्या होगी यहाँ पे परपेंडिकुलर लॉजिक लगा रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं वेलोसिटी डायग्राम यहाँ यूज़ कर लिए कोई मतलब और भी तरीके हो सकते हैं हमने क्या यूज़ कर लिए पॉपेंडिकुलर वेक्टर उससे बना लिए राइट तो ये वेलोसिटी हमें क्या हो जाएगी वी हो जाएगी ये वी ऐसे जाएगा यानी ये पैरेलल यहाँ बना लो यानी ये इसके क्या होगा नाइन्टी डिग्री होना चाहिए जो जा रही है ये ये नाइन्टी डिग्री होना चाहिए यानी ये जो वी बी से क्या होगा नाइन्टी होगा तो क्या हो जाएगा मिनिमम टाइम मिनिमम स्पीड होगी जिससे वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा राइट गाइज अब अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं अब कोई भी एंगल आप हम सपोज कर सकते हैं जैसे हमने डेरिवेशन में किया था चलो वही ले लेते ले हैं दिस एंगल लेट इट बी अल्फा ले लेते हैं राइट दिस एंगल इज अल्फा दिस इज नाइन्टी माइनस अल्फा तो ये क्या हो गया अल्फा तो यहाँ से आप देखो टैन अल्फा क्या आ रहा है ये क्वेश्चन आ गई ना टैन इज क्या हो जाएगा अभी भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो निकल ही गया एंगल अब ये टैन अल्फा हो गया अब आपको ये चाहिए मिनिमम स्पीड चाहिए ये ट्रायंगल है इसमें हम ट्रायंगल से कर सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिंपल है ये तो साइन अल्फा हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन अल्फा इज़ वी अपॉन यू नॉट तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यू नॉट इनटू टू साइन अल्फा और साइन जब टैन अल्फ़ा आपको पता है टैन अल्फा आपने पता है वी बाई ए तो ट्राइंगल बना लेते हैं दैट इज़ बी बाई ए है ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपल हो गया और यू नॉट है और साइन अल्फा हमने निकाल लिया दैट इज बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट सिंपल क्वेश्चन था तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी ये शॉर्टेस्ट का ये अपना ट्रिक था क्योंकि तो ये जो वेलोसिटी बोर्ड कुछ भी हो सकती है ना इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप सोचिएगा इसके बारे में हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं मिनिमम निकालने के लिए ये तो बड़ा स्मार्टली हम लोग ने यूज़ कर लिया आ, ये वेक्टर एडिशन जो है वेक्टर का ये यूज करके हम लोग मिनिमम निकाल लिया राइट गाइस तो ये क्वेश्चन है सिक्सटीन अ मैन मस्ट गेट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ रिवर टू पॉइंट बी ये ए है और ये हमारा बी पे गए ऑन द अदर बैंक मूविंग ऑर ऑन स्ट्रेट लाइन यहाँ से यानी यहाँ से इसको वी बी जाना जाना है ये पक्का हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में द वे ऑफ रिवर इज़ वन किलोमीटर चलो ये वन किलोमीटर है दिया है और द डिस्टेंस ये टू दिया है बी सी टू किलोमीटर द मैगजम स्पीड ऑफ द बोट रिलेटिव टू वाटर इज़ यू यानी ये जो हम वी लेते हैं रिलेटिव टू ये वी हो गया हमारा यानी वी बी आर दे रखा है उसका मैगनीट्यूड दैट इज़ फाइव किलोमीटर पर आवर और वी आर दे रखा है टू किलोमीटर पर आवर करेंट बिलासिटी राइट कैन द डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर और कैन द डिस्टेंस ए बी कवर्ड इन थर्टी सेकेंड राइट गाइज तो एक्चुअली मुझे क्या निकालना है सिर्फ ये टाइम निकालना और उसे कम्पेयर करना लेट दिस एंगल इज़ थीठा मान लेते हैं यह एंगल मुझे पता है इसलिए से अल्फा मान लेते हैं तो एक्चुअली आप इन दोनों को एक्स और वाई कर लेते क्योंकि यही तो रिजल्टेंट है किसका ये वी आर हमारा इधर है ये कितना वी वे आर है और ये कितना दे रखा टू और ये कितना दे रखा है हमारा फाइव तो बस हॉरिजॉन्टल यानी वी बी एक्स निकाल लें वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देगा वी बी एक्स कितना देगा हमारा दैट इज फाइव कॉस थीटा माइनस टू हो गया दिख रहा है फिगर से ना एक एक्सिस से इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है बोट जा रही है और वी बी वाई कितना हो गया हमारा यही तो रिजल्टेंट है वी बी वाई हमारा हो जाएगा दैट इज़ फाइव साइन थीटा ये तो हो जाएगा और ये हो गया हमारा राइट uh, right. अब हम सिंपल इसे देख लेते हैं वर्टिकल uh, डिस्टेंस कितना है वन किलोमीटर तो टाइम कितना लगेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कौन सी वेलोसिटी फाइव साइन थीटा ही तो जाएगी तो ये हम लिख लेते हैं क्या वन अपॉन फाइव साइन थीटर ये तो होगा टाइमिंग और इतनी देर में ये वेलोसिटी इधर चली जाएगी ये ये आ, इतनी देर में टाइम टी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी टू किलोमीटर तो इसको भी लिख देते हैं इक्वेशन जैसे यहाँ वन किलोमीटर लिखे हैं यहाँ टू लिख सकते हैं दैट टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू किलोमीटर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फाइव कॉस थीटा माइनस टू सिंपल है अब इन दोनों को थीटा एलिमिनेट करके टाइम को चेक कर लेना है मैथ्स बच गई अब तो अब हम थीटा देख लेते हैं थीटा यहाँ से हमारा साइन थीटा कितना आएगा साइन थीटा ऊपर वाले से आएगा दैट इज़ वन बाई फाइव टी और यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तो हम लिख देंगे फाइव टी कॉस थीटा माइनस टू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सब इधर ले जाओ और टू कॉमन कर लो तो टी प्लस वन और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फाइव टी ये कॉस्ट थीटा आ गया ये साइन थीटा अब बस टाइम ही तो निकालना है अब हमने क्या करना है स्क्वायर करके ऐड करने है वन इक्वल टू तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव टी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा दैट इज टू फोर हो गया टी प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव टी इसको उधर थोड़ा सा कर लेते हैं दैट इज़ ट्वेंटी फाइव टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस इसको ओपन कर लें दैट इज़ फोर टी स्क्र प्लस फोर प्लस एट्टी टू ए बी फोर्टी ये हो गया अब हम ट्वेंटी uh, सब इधर ले आते हैं हम लिखते हैं ये कितना हो गया टी स्क्वायर फोर टी स्क्र हो गया यहाँ पे तो इधर आएगा क्या ट्वेंटी वन टी स्क्वायर हो गया और यहाँ हमारा बच जाएगा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा एट हो जाएगा और ये होगा so, ये माइनस होगा इधर आया राइट right? तो अब क्या होगा ये हमारा वही होगा दैट इज़ ट्वेंटी वन टी स्क्वा माइनस फिफ्टीन टी प्लस सेवन टी माइनस फाइव इक्वल ज़ीरो और ये हो जाएगा हमारा सेवन हम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा थ्री टी सेवन टी कॉमन कर लेंगे थ्री टी माइनस नहीं यहाँ से हम थ्री टी कॉमन करेंगे तो हो जाएगा सेवन टी माइनस फाइव टी और ये हो जाएगा सेवन टी माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से हमारी ये आ जाएगी हमारी थ्री टी प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे सेवेंटी ये टी कॉमन हो गया सॉरी सेवन टी माइनस फाइव इक्वल ज़ीरो निगेटिव हो नहीं सकता टी की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव बाई सेवन आवर्स तो टाइमिंग हमारी हो जाएगी फाइव बाई सेवन इंटू सिक्सटी मिनट और इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 300 हंड्रेड अपॉन सेवन मीन्स सेवन फोज़ा ट्वेंटी एट टू सेवन थ्री अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा सेवन फोर्टी थ्री मिनट्स जबकि वो कह रहा है थर्टी मिनट्स राइट नॉट एग्जैक्टली फोर्टी थ्री मिनट्स लेकिन थर्टी मिनट में वो नहीं पहुंचेगा राइट गाइस तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब ये क्वेश्चन है मैन स्विम्स विद अ कांस्टेंट एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ करेंट इन वाटर ही कैन स्विम फ्रॉम पॉइंट पी ऑन वन बैंक यानी हम बना लें ये रिवर है पॉइंट पॉइंट पी ऑन वन बैंक ऑफ रिवर टू क्यू जस्ट अपोजिट यानी ये, ये क्यू हो गया

सेम स्ट्राइट पाथ पी क्यू वेन द रिवर फ्लोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलासिटी शो डेट द रिवर वेलासिटी इज दिस वेयर बी इज द बे बेड ऑफ द रिवर सिंपल क्वेश्चन ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं और रिवर जब फ्लो करते और शॉर्टेज पाथ वाला वाला, वाला, वाला क्वेश्चन हो गया फॉर्म देखो आप कितने डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट हर में एक ही लग रहा है और ये टीवन तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना दैट इज़ बी अ पॉन अंडर रूड क्या हो जाएगा वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर ये पढ़ते आ रहे हैं और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है बी है और वी बी आर की वैल्यू जो हम लोग ने निकाली है बी बाई टी है तो हो गया बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस वी आर मुझे चाहिए ना वी आर स्क्वायर राइट अब इसे सॉल्व भी तो करना है हम लोग को बस तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो गया टी वन स्क्वायर ये करेंगे बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर क्रॉ मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस तो ये हो जाएगा हमारा t1 वन स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू वी स्क्वा माइनस टी वन स्क्वायर वी आर स्क्वाजिकल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हमें वी आर को अलग कर ले रहे हैं इसको भी अलग कर लें वी आर हम लोग अलग लिखते हैं डेट इज वी आर स्क्वायर टी वन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेंगे इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए तो यहाँ से हमने कॉमन कर लिया टी वन स्क्वायर अपॉन टी स्क्वा बी माइनस बी स्क्वायर हो गया अब हम थोड़ा सा और कर लेते हैं डेट इज वी आर T1 टी वन कॉमन कर लें बी को और यहाँ लिख देते हैं टी वन स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन रूट ले लेते हैं दोनों तरफ टी हो जाएगा वी आर टी वन रूट ले लेंगे बी हो जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी वन स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये रूट लेंगे तो टी हो जाएगा यहाँ आ आगे हमारा ये तो प्रूव करना था दैट इज़ बी अपॉन टी टी वन अंडर रूट टी वन स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर राइट गाइज सिंपल क्वेश्चन नो हॉच पॉच सिंपल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है शॉर्टेस्ट पाथ का और शॉर्टेस्ट टाइम वाला वो हम लोग बार बार यहाँ अप्लाई करके पर क्वेश्चन देख रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ रहे हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैन कैन स्विम एट रेट ऑफ थ्री किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर विशिस टू क्रॉस रिवर वन पॉइंट फाइव किलोमीटर राइट right, तो रिवर बनाते हैं ये ये 1.5 किलोमीटर है रिवर है और फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ अब यहाँ देखो आप ये 5 किलोमीटर है पर आवर और वो जो है यानी वी क्या दे रखा है ये दे रखा है थ्री किलोमीटर पर आवर और वी क्या दे रखा है, यह है यहाँ पे फाइव किलोमीटर पर आवर राइट इस चीज़ को आप देखो यानी रिवर की वेलोसिटी फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द अपोजिट बैंक एज सून एज पॉसिबल यानी मिनिमम टाइम चाहिए उसको हाउ फार विल ही बी कैरिड आउट राइट मिनिमम टाइम चाहिए तो मिनिमम टाइम के लिए भी हम लोग ने फार्मूला डिराइव किया हुआ था और वो फार्मूला क्या था अगर आपको याद है मिनिमम टाइम वाला केस टाइम के लिए हम लोग क्या है उस इस इसको जाना पड़ेगा तो ये स्विम करेगा यहाँ ये हमारा स्विम करेगा इस डायरेक्शन में सीधे परपेंडिकुलर यानी वी बी आर जो ये थ्री इधर जाना चाहिए मिनिमम टाइम के लिए ठीक है वॉकिंग uh, नहीं दे रखा है यहाँ पे मिनिमम टाइम पूछ रहा है बस क्रॉस करना है वॉकिंग पे हमारा दूसरा हो जाता है एंगल है वॉक करके जब आना होता है तब तो हमारा एंगल दूसरा है वैसे मिनिमम टाइम जाना है तो ही जाएगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं और इस मीन्स uh, टाइम हम निकाल लेते हैं टाइम हमारा क्या होगा दैट इज 1.5 किलोमीटर अपॉन थ्री किलोमीटर पर आवर दैट इज पॉइंट फाइव आवर ये आएगा वहीं अब वो शिफ्ट कितना हो जाएगा उसकी रिवर फ्लो की वेलोसिटी कितनी है वाइड ये है हमारी फाइव तो ये शिफ्ट कहाँ हो जाएगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू फाइव इन पॉइंट फाइव दैट इज टू पॉइंट फाइव किलोमीटर ये आगे चला जाएगा राइट right? सिंपल क्वेश्चन था नो हॉच पॉच वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नाइनटीन अ मैन इज स्विमिंग इन अ लेक इन अ डायरेक्शन थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ विद स्पीड फाइव किलोमीटर पर आवर अ मैन इज स्विमिंग ये रिवर बना लेते हैं क्वेश्चन ये हो गया मैन इज स्विमिंग लीक इन अ डायरेक्शन थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स ये है और ये थर्टी और ऑफ है तो ये हो गया थर्टी नॉर्थ विद स्पीड ये हो गया फाइव किलोमीटर पर आवर एंड साइकिलस्ट इज गोइंग ऑन रोड एक साइकिलिस्ट है जो ये रोड पर यहाँ से जा रहा है टीस्ट टेन किलोमीटर पर आवर in what direction and with what speed would the man appear to swim the swim to cyclist a uh, cyclist ko ye man kis tarah in what direction aisa lagega simple hai isme ah yahan pe river ke to velocity de hi nahi rakhi na तो ये ground के respect में हो गया means अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसको ऐसा लग रहा है और यानी साइकिलिस्ट को रोस रोकना पड़ेगा रेन वाली प्रॉब्लम उस तरह की हो गई है तो साइकिल को रोकना पड़ेगा यानी स्विमर की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू तो क्या है साइकिलिस्ट तभी तो साइकिल वाला रुकेगा और स्विमर देखेगा तो हम लिख सकते हैं वी एम माइनस वी सी राइट ये लिख सकते हैं यानी वी सी को रिवर्स करना है तो इसको रिवर्स कर लेते हैं ये रिवर्स कर लेते हैं टेन से और ये इसको लगेगा पे ये रिजल्टेंट चाहिए ये हमारी डायरेक्शन निकाल सकते हैं सिंपल एडिशन ही इनके एंगल कितना हो गया 120 तो हम दोनों चीज़ निकाल सकते हैं इसका स्पीड निकाल लें पी स्क्वायर से डेट इज़ अंडर रूट जैसे मर्जी निकाल लें या अब हम लोग ये रिजल्टेंट है इसको हम ये हमारा रिजल्टेंट है ऐसे रिवर्स लैमिज थ्योरम लगा के देख देखते हैं इस बार पी स्क्वायर और टैन से तो आराम से निकाल सकते हैं यहाँ लाइमिज ये रिजल्टेंट इसको रिवर्स कर लिया ये तो रिजल्टेंट है वेलोसिटी तो वी अपॉन क्या लिख देते हैं यहीं पे लिखते हैं वी अपॉन क्या लिखेंगे साइन 120 ट्वेंटी इज इक्वल टू तो क्या लिखेंगे 5 अपॉन ये एंगल हम कहाँ से बता दें ये थीटा ले लेते हैं ना राइट तो हम लिखेंगे 5 अपॉन ये पूरा एंगल दैट इज़ हंड्रेड एट्टी माइनस थीटा फाइव अपॉन्ट साइन हंड्रेड एट्टी माइनस थीटा हो गया और यहाँ लिखेंगे हम टेन अपॉन साइन ये लिखेंगे ये एंगल टेन ये वाला एंगल ये एंगल कितना होगा ये हो गया हमारा हंड्रेड एट्टी माइनस थीठा और, और ये पूरा हम सब कर देते हैं सॉरी हंड्रेड ट्वेंटी माइनस थीठा हो गया ये और ये पूरा हो गया हमारा हंड्रेड एट्टी तो हंड्रेड एट्टी माइनस हंड्रेड ट्वेंटी माइनस थीठा दैट विल बी इक्वल टू सिक्सटी प्लस थीठा लिख सकते हैं तो साइन टेन सिक्सटी प्लस थीठा राइट right, अब इक्वेशन आगे हम थीटा भी निकाल सकते हैं वी भी, भी निकाल वी भी, भी निकाल सकते हैं राइट right. तो इस तरह भी निकाल सकते हैं लेकिन वही इक्वेशन फिर फॉर्म करनी पड़ेगी थीटा 120 ट्वेंटी फ्रेंड इसको ब्रेक करना तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे निकाल के देखते हैं एंगल इनके बीच का क्या है हंड्रेड ट्वेंटी है तो हम निकाल सकते हैं वी इज इक्वल टू वही निकालते हैं अपना बेसिक मेथड दैट इज ट्वेंटी फाइव प्लस हंड्रेड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू मीन्स टू इंटू ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फिफ्टी हंड्रेड ये हो गया सॉरी फिफ्टी हाँ ये हंड्रेड होगा टू पी क्यू कॉस कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी राइट टू इंटू फाइव फाइव इंटू टेन टेन इंटू टेन ठीक है और ये आ जाएगा हमारा कॉस हंड्रेड ट्वेंटी क्या होता है ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा सॉरी uh, अंडर रूट नहीं वन ट्वेंटी फाइव माइनस कॉस हंड्रेड नाइन्टी प्लस थीटा ही निगेटिव हो जाता है तो निगेटिव हो गया तो ये हो गया हंड्रेड और ये साइन थर्टी हो जाएगा निगेटिव फॉर्म में और ये हो जाएगा हाफ तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्टी और फिफ्टी आप माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारा सेवेंटी फाइव दैट इज़ फाइव रूट थ्री राइट इतना किलोमीटर पर आवर हो गया और डायरेक्शन चाहिए तो आप इसकी डायरेक्शन कहीं से दे दो यही तो वी बी है हमारा तो इसकी डायरेक्शन आप औरजेंटल से दे दो या साइकिल uh, से दे दो किसी से दे दो साइकिल दोगे तो हंड्रेडी करना पड़ेगा तो आप टेन थीटा लगा दो यहाँ पे लेट दिस एंगल इज टे थीटा तो किससे एंगल दे रहे हो आप टेंथ से तो वो पहले रख लो और इसके बाद आप फॉर्मूला लगा लो डेट इज फाइव कॉस वन ट्वेंटी अपॉन फाइव साइन वन ट्वेंटी राइट ये थीटा आपका आ जाएगा आप करी लो ना इसको दैट इज फाइव साइन वन ट्वेंटी इट विल गिव कॉस्ट थर्टी दैट इज रूट थ्री बाई टू और यहाँ पे अभी अभी हम लोग निकाला था दैट इज कॉस्ट वन ट्वेंटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ माइनस हाफ एंड डैट इक्वल टू फाइव माइनस फाइव बाई टू तो ये हो जाएगा फाइव माइनस फाइव बाई टू दैट इज फाइव बाई टू दैट इज रूट थ्री बाई टू डेट इज फाइव बाई टू कट गया टू टू कट गया तो रूट थ्री हुआ एंड दैट इज रिपीट थ्रीटा क्या हो जाएगा हमारा सिक्सटी डिग्री राइट गाइस तो इधर से हो जाएगा सिक्सटी डिग्री इस तरफ से और उधर से आप देखोगे वन ट्वेंटी डिग्री फ्रॉम द साइक्स्ट राइट गाइस दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाव कम टू द ट्वेंटी next question here a boat takes 10 minutes to cross river in a straight line from a point a on one bank to the point b on the other bank and 20 minutes to the return journey the current flows 3 km per hour and the speed of boat related to water is 6 km per hour फाइंड द वेथ ऑफ रिवर एंड द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस फ्राम ए टू बी राइट गाइज तो ये हमारा एक रिवर एज एजर बनाते हैं और पॉइंट सपोज कर लो यहाँ से वो यहाँ जा रहा है ये ए बी है यानी ये फिक्स है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस एकदम फिक्स हो गया लेट इट बी ये हम अल्फा ले लेते हैं और वो इस डायरेक्शन में मूव करता है किस वेलोसिटी से मूव करेगा वी से और ये हमारा क्या है लेट इट बी दिस टाइम हम यू ले लेते हैं रिवर की वेलोसिटी और इनकी वैल्यू ये दे रखा है ये सिक्स है और ये क्या है थ्री है ये यहाँ से गया और फिर इसी पाथ से रिटर्न हुआ ए से अब जब पाथ से रिटर्न हुआ तब यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा वो तो वो रिटर्न होगा तो अब हम ये एंगल और ये एंगल देखते हैं ये एंगल लेट इट बी थीटा ले लेते हैं फिलहाल और ये एंगल हम बीटा लेते हैं स्टार्ट करते हैं डी ले लेते हैं ये विथ इसकी तो सबसे पहले हम ये पोजीशन लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में तो उसी तरह सबसे पहले हम हॉरिजेंटल वो निकालेंगे वेलोसिटी यानी फर्स्ट केस में ए वाला केस जब हम ले रहे हैं केस में तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी अगर हम बात करें हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट का तो ये हो जाएगी हमारी v कॉस थीटा क्योंकि एब्सलूट वेलोसिटी तो इनकी भी ऐसे होगी और इधर से आएगा उसकी भी होगी लेकिन ये दोनों डिफरेंट होगी जाते समय लेटेड भी वी ए ले लें ले ले और आते समय क्या ले लें ले? वी बी ये दोनों वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में तभी तो वो रिटर्न होगा तो हम जाने वाले की बात अभी करेंगे तो वी थीटा प्लस थ्री या v की जगह हम क्या लिख लें अब सिक्स cos थीटा प्लस थ्री ये हो गया हॉरिजॉन्टल टाइम लेट इट बी टी तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको अगर हम बैक करें तो वर्टिकल डिस्टेंस डी है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस रिलेटेड बी एक्स है और ये दोनों कांस्टेंट है आते और जाते समय राइट गाइस तो हॉरिंटल डिस्टेंस हमने ये लिया इनटू टू टाइम ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा एक्स हो गया वाई की बात करें तो वाई हो गया हमारा वी साइन थीटा इन टू टी ये हो गया हमारा डी अब यहाँ पे ये वी को हम क्या ले लेते हैं सिक्स टी की वैल्यू मेरी दे रखी है टेन मिनट्स इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें टेन मिनट्स को आवर में तो ये हो जाएगा हमारा वन बाई सिक्स आवर्स और ट्वेंटी मिनट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री आवर्स राइट तो इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और इसको लिखते हैं पहले वाले केस दोनों में टाइम क्या लिख रहा है टेन टू सिक्स वन बाई सिक्स होगा और ये इधर हो जाएगा तो हम इक्वेशन लिखते हैं सिक्स कॉस थीटा प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स एक्स और यहाँ से लिखेंगे सिक्स साइन थीटा इजिक्वल टू हम लिख देंगे सिक्सटी थोड़ा एडजस्ट यहाँ करते हैं हम लिखते हैं सिक्स कॉस थीटा इजिक्वल टू सिक्स एक्स माइनस थ्री अब आप देखो थीटा मुझे चाहिए नहीं तो यहाँ थीटा स्क्वायर करके ऐड कर दें तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स साइन स्क्वायर थीटा पाव कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा और ये हम लिखेंगे दैट इज सिक्स एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन आया आ गई हमारी एक्स और डी में हम चाहे तो थोड़ा इसे सिम्प्लीफाई कर सकते हैं थ्री कॉमन सिक्स ही कॉमन कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स इज एक टू यहाँ से सिक्स कॉमन करेंगे तो थर्टी सिक्स एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर और ये थर्टी सिक्स डी स्क्वायर थर्टी सिक्स हर जगह से कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन जो आई वो आई दैट इज एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई अब मुझे चाहिए क्या सेकेंड इक्वेशन तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम आने वाला टाइम देखेंगे और इस समय हम ये मान लेते हैं कि ये सिक्स किससे आ रहा है बीटा डिग्री बना रहा है से तो सेम इक्वेशन ये बी वाला केस हो गया तो सेम इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल के लिए हम लिखेंगे क्या सिक्स कॉस बीटा इस समय माइनस थ्री हो जाएगा राइट right? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे किधर है ये इस तरफ है तो ये हो जाएगा सिक्स कॉस बीटा माइनस थ्री इंटू टाइम टाइम हमारा क्या है वन बाई थ्री विल गिव एक्स हॉरिजॉन्टल और सिक्स साइन बीटा इन टू टी दैट इज वन बाई थ्री इट विल गिव डी और फिर उसी तरह हम सिम्प्लीफाई करेंगे हो जाएगा सिक्स कॉस बीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री एक्स और सिक्स साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री डी और इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर लें तो सिक्स कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री फिर स्क्वायर करके इनको और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इज इज़र्टी सिक्स तो आएगा ही स्क्वायर करने पे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा थ्री कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा नाइन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर तो ये हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा फोर इजिकल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर राइट गाइस एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये डी स्क्वायर दोनों में है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं एक बार फिर से दैट इज एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अब हमारा सॉल्व करना रह गया है माइनस कर देंगे डी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा दैट इज थ्री और ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं तो माइनस करेंगे ना ये तो ए प्लस बी डेट इज़ हम करते हैं तो ये आ जाएगा टू एक्स और ये हो जाएगा प्लस हाफ इंटू वन माइनस दिस इट विल बिकम एक्स प्लस वन माइनस दिस तो ये हो जाएगा प्लस वन प्लस वन बाई टू डेट इज़ थ्री बाई टू और फिर हम इसे ये थ्री और थ्री कैंसिल तो हो जाएगा टू एक्स प्लस हाफ इज़ इक्ल टू टू सो टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा टू माइनस टू माइनस हाफ दैट इज थ्री बाई टू एंड सो एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर राइट ये किलोमीटर राइट right? ये हमारा क्या हो गया किलोमीटर हो गया यानि डाउन स्ट्रीम में जो इसका डिस्टेंस है वो थ्री बाई फोर किलोमीटर हो गया आ, रिवर विथ चाहिए यानी डी के वैल्यू चाहिए तो हम किसी इक्वेशन में रख दें एक्स के वैल्यू थ्री बाई फोर तो डी की वैल्यू आ जाएगी तो ये हम रख देते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ रखा थ्री बाई फोर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ये अलग कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इट एम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर इज एकवल टू फोर माइनस और ये हो जाएगा हमारा फोर सेवन और सेवन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन और डी स्क्वायर इज एकवल टू हो जाएगा सिक्सटीन फोजा सिक्सटी फोर माइनस फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन और ये हो जाएगा फोटीन नाइन ये जाएगा फाइव बचेगा और फाइव में से फोर so हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिक्सटीन सो डी इज इक्वल टू वेट हो जाएगी अंडर रूट फिफ्टीन बाय फोर किलोमीटर एट वेरी सिंपल प्रॉब्लम था इस प्रॉब्लम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सिंपली एक ही कॉन्सेप्ट लगाया वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला नेट वेलोसिटी वी बी आर उसका इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता था कि एक यहाँ से चला और एक बंदा यहाँ से चला इसी लाइन के अक्रॉस ठीक है तो पूछ सकता था कि व्हेन दे विल मीट ए बी हमारा डिस्टेंस है तो ये टाइम वहाँ पे टी वन लगा तो ए बी अपॉन टी वन क्या हो गया इसकी वेलोसिटी और टाइम की दोनों कितना चल रहे हैं टी तो ए कितना चला होगा इतना डिस्टेंस और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी दैट इज़ ए बी टी टू टाइम कितना लग रहा है उसको टी टू ठीक है ये इसकी वेलोसिटी होगी इसके, इसके अलॉन्ग और ये हो गया टाइम उतने टाइम चला जितना ये चला था तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा ए बी वेलोसिटी ये निकाला ए बी बाई टी वन करके वेलोसिटी ए की हो गई अलॉन्ग ए बी टाइम ये हो जाएगा डिस्टेंस यानी एक्स वन हो जाएगा मान लिया एक्स वन ये चला एक्स टू ये चला तो ये निकाला ए बी ए बी कैंसिल हो गया तो यहाँ से आप टी निकालोगे तो टी वन टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू और इस केस में क्या हो जाएगा टेन इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टेन प्लस ट्वेंटी दैट बी इक्वल टू हंड्रेड अपॉन थर्टी मीन्स ट्वेंटी बाई थ्री मिनट्स राइट तो ये आया कि जब दो आदमी ए और बी से चले से तो वो कहाँ मीट करेंगे तो सिंपल ये तरीके राइट गाइज तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ये लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फर्स्ट

लेकिन मिनिमम टाइम तभी पहुंचेगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी राइट गाइस तो ये क्वेश्चन है आप इसे ट्राई करें और ये आपको किसी चैप्टर की जरूर याद दिला रही होगी तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे राइट गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो